संस्कारवान पुण्यवान नगर के रेशमबाग मैदान के पावन परिसर में जहाँ निरंतर राष्ट्र आराधना लोकमंगल की कामना जैव जगत के उद्धार के लिए नित्य पारमार्थिक प्रयत्न मनुष्य आत्मजयी बनकर अपने स्वरूप सत्ता को उपलब्ध हो ऐसा नित्य जहां आत्म अनुसंधान होता है ऐसे इस पावन परिसर में और इस धरती की स्वाभाविकता जहां ये कहा गया हो कि स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, गांव गली मोहल्ले और हर मन में गणेश और उसकी ऊर्जा के साथ जुड़े गणेश उत्सव की स्थापना करने वाले महापुरुषों की ये धारा जहां उसके मस्तक पर मुष्टिक स्पर्श कर वेद मंत्र गुंजरित करने वाले ऐसे महापुरुष ज्ञानदेव सोपानदेव निवृत्तिनाथ जनाबाई मुक्ताबाई लोकमान्य तिलक वीर सावरकर व्यक्ति के भीतर पुरुषार्थ पौरुष शौर्य धैर्य और अध्यात्म की अपार ऊर्जा जागृत कर कुछ मुट्ठी भर चने लेकर दौड़कर भारत के भाग्य के निर्माण के लिए निकल पड़ा जो शिवा उनके गुरु रामदास वैष्णव जन तो तैने कहिए जे पीर पराई जाने रे ऐसे गीत जहां गुनगुनाए गए सेवाग्राम राष्ट्र स्वतंत्रता न केवल एक धरा की बल्कि दिशाओं की अंबर की उन्मुक्त अंतरिक्ष की ऐसी चिंता में जुटे वीर सावरकर गोचर भूमि उपलब्ध हो गौवंश प्रचुर मात्रा में धरा पर हो भूदान यज्ञ के प्रणेता विनोबा भावे गांव की चेतना जगे विश्व मंगल हो ऐसे संत तुकड़ो जी त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटियम ऐसे गीत गुनगुनाकर पूरे राष्ट्र को और उसके खोए गौरव को उसके पास खड़ा कर देने वाले हेड के बाद गुरु गोलवर्कर यहां संघम शरणम गच्छामि बुद्धम शरणम गच्छामि और धर्म के आश्रय में आकर अपनी ओर अपने दीप बनकर प्रकाश की ओर उत्सुक होने वाले अंबेडकर और न जाने कितने महापुरुषों की ये धरा जहां आदिकाल में रुक्मणी को आविर्भूत होने के लिए एक पवित्र परिवेश प्रदान किया हो ऐसा विदर्भ का ये नागपुर जो तीर्थ जैसा ही है
यहां के अत्यंत निष्ठावान उत्साही कार्यकर्ताओं का समूह प्रभु प्रेमी संघ, और उसके सत्संकल्प से आहूत इस श्री राम कथा में वंदनीय पूज्य निर्मलानंद जी महाराज, वंदनीय पूज्य जितेंद्रनाथ जी महाराज, वंदनीय संत समूह प्रभु प्रेमी संघ के आमंत्रण पर आए आप सभी साधक बंधुओं भगनियों, आपकी आस्था विश्वास वे सद्गुण संस्कार जिसके वशीभूत आप यहां बैठे हैं, आप मुमुक्षा के प्रति बहुत आदर के साथ प्रणाम करते हुए, कल्याणकारी अनेक साधन हैं, उनमें सहज सुगम सुलभ साधन है श्री हरि कथा, जिसकी कुक से मोद मांगल्यता माधुर्य और मुक्ति प्रसूत होती है। शास्त्र कहते हैं श्रवण मंगलम, कथा के श्रवण से मांगल्य माधुर्य मोद मुक्ति का जन्म होता है। तब कथामृतम तप्त जीवनम, भीतर के कषाय कलमश विकृतियां विकार अविद्या आदि भिन्नवेश जैसी सत्ता जो निरंतर अल्पता और अभाव पैदा करती रहती है, ऐसा अज्ञान जिसे जीव प्राय भय असुरक्षा उस अविद्या अभिनिवेश आदि और अज्ञान जन्य जितनी भी दुविधाएं हैं, देने में एकमात्र कोई साधन समर्थ है तो वह साधन है श्रवण। वेद ने पहला कोई साधन बताया तो वो श्रवण बताया, श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासन आदि अनेक साधन बाद के हैं। मनन से पूर्व भी जप ध्यान समाधि योग युक्तियां प्राणायाम, इन सब से पूर्व कोई साधन है तो वो श्रवण है। भद्रम करने भी सुनयाम देवा, वेद ने उद्घोष करते हुए कहा कि पहला कोई साधन है तो वो कानों से श्रवण किया जाए, शास्त्र महापुरुष वचन काम सत्पुरुषों की अनुभूति और वेद एक अचंभित कर देने वाली बात यह है कि शास्त्र कहते हैं कि मनुष्य को कान मिले इसलिए है कि वह श्रुति का श्रवण करे, इसे मनुष्य के सद्भाग्य की कल्पना करते हुए शास्त्र कहते हैं एकमात्र मनुष्य के कान ही ऐसे हैं जो वेद वचन वेद वाक्य श्रुतियों का श्रवण कर सकते हैं, और वेद वचन माने ईश्वरीय वचन भगवदीय शब्द, तो जो ईश्वर के वाक्य हैं ईश्वरी जो भगवद वाक है जो भगवद शब्द हैं ईश्वरीय शब्द हैं जो ईश्वरीय वाणी है जो ईश्वरीय स्वर है, यद्यपि वो स्वर सर्वत्र है
पर उस स्वर की समझ, और उस स्वर के लिए कोई कान अगर बने हैं तो मनुष्य के हैं। तो बहुत आग्रह करते हुए शास्त्र कहते हैं, भद्रम कर्णे भी सुनियाम देवा, भद्रम पश्ये, भद्र देखना है, भद्र बोलना है। ये तभी संभव है जब भद्रता, पवित्रता, दिव्यता कानों से भीतर पहुंचे। पेयम पेयम श्रवण पुटके रामा नामाभिरामम, ध्येयम ध्येयम सतत मनसा तारकम ब्रह्म स्वरूपम। अनेक ग्रंथ एक बात की पुष्टि करते हैं कि राम शब्द राम नामामृतम, राम अपने में जो शब्द है वो नामामृत है। तव कथामृतम करते ही राम नामामृतम, पेयम पेयम श्रवण पुट के रामा नामाभिरामम, कान से राम कथा सुनी जाए, पर शास्त्र का आग्रह है कि पी जाए, संसार की बातें सुनी जाए, कहानी किस्से दृष्टांत आख्यान उपाख्यान व्याख्यान प्रवचन भाषण संवाद, कान से तो कथा सुनी जाए ना, पी जाए। पेयम पेयम श्रवण पुटके, कानों से कथा नहीं सुनी जाती, पी जाए, साधक इसे पी, कथा को पीने की बात कही गई है, सुनने की नहीं। कब तक? निरंतर, अबाध, अविच्छिन्न। और इस साधन में किंचित गतिरोध न हो, ये एक ऐसा साधन है जिसमें गतिरोध न हो, सुनी जाए और पी जाए। उपदेश की श्रवण की परंपरा बहुत प्राचीन है। चतुरानंद ने सुनी है ये कथा, पार्वती ने अनेक प्रश्न किए हैं और शिव से इस कथा को सुना है। यह संवाद है ऋषियों का, मुनियों का, सत्पुरुषों का। इस कथा को भगवदीय संवाद कहा गया। मोह अज्ञान भ्रम भय को छिन्न भिन्न कर देने के लिए कथा बताई गई। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा करिष्ये वचनवत, अब मेरे मोह का नाश हो गया है, अब मुझ में कोई भय नहीं रहा, अज्ञान नहीं रहा, संशय नहीं रहा, और इससे बड़े और क्या शत्रु होंगे हम मनुष्यों के। हम सभी मनुष्यों के अगर कोई शत्रु हैं तो ये यही तो विकार हैं। शास्त्र बहुत विनय पूर्वक एक बात कहता है कि आपका कोई नाश नहीं कर सकता, कभी भी किसी में भी इतनी सामर्थ्य नहीं कि कोई आपका नाश कर सके, कोई आपका अनिष्ट कर सके, कोई अमंगल कर सके। और अगर ऐसा कभी हुआ है तो उसके मूल में आपका ही अज्ञान है, उसके मूल में आपके संशय हैं, उसके मूल में आपकी अल्पज्ञता है, अजानता है, प्रमाद है, दुर्गुण है, दुर्विकार है, या कि आपकी अज्ञान जन्य आपकी ही दुविधाएं हैं जिनके कारण मन स्थिर नहीं रहा, चित्त शांत नहीं रहा। हमारी विकृति तो है, मनोविकृति, मनोविकार, जिसका परिणाम मन की मूढ़ता है। हमारे चित्त के चांचल्य का परिणाम ही तो क्षिप्तता है, विक्षिप्तता है, मूढ़ता है। और मनुष्य की सबसे बड़ी कोई उपलब्धि है तो वो एकाग्रता, कि वृत्तियां स्थिर रहें, शांत रहें, पदार्थ हो या ना हो पर चित्त तो शांत रहे। तो जो चित्त की प्रशांतता है,
अंतःकरण की वो अब न रहे, विशोका वा ज्योतिष्मति, शोक न रहे, भय न रहे, अल्पता न रहे, ये बड़ी चीज है। इसे शास्त्र कहता है कोई आपका नाश नहीं कर सकता, कभी भी कोई आपका अमंगल नहीं कर सकता, अनिष्ट नहीं कर सकता, तो फिर किसके द्वारा नाश होगा। भगवान गीता के माध्यम से अर्जुन को कहते हैं संशय आत्मा विनश्यति, जो संशयी है, जो संशयी है, जिसके पास संशय बने रहते हैं, जो संशयों में रहता है, संदेह में रहता है, भ्रम में रहता है, अपनी अज्ञान से पैदा हुई दुविधाओं में, दैन्य में, अपनी किसी अल्पता में, वेद का सीधा वाक्य है कि अल्पता में ही तो दुख है, यो वै भूमा तत् सुखम, सुख कहां है, शांति कहां है, आनंद कहां है, आनंद तब है जब अल्पता नहीं है, आनंद कब है जब अल्पता नहीं है, अल्पता में भी कभी आनंद है, अल्पता में भी कभी शांति है, और ये अल्पता किससे आती है, न्यूनता कैसे आती है, अज्ञान से, संशय से, और संशय कहां की उपज है, हमारे प्रमाद की। तो जब विवेक नहीं है, विचार नहीं है, हम अपने अस्तित्व और स्वभाव में नहीं है, तभी तो बहुत से विकार हैं, और उनमें सबसे बड़ा एक विकार है ये संशय, संशय आत्म विनश्यति। किसी समर्थ पुरुष का कभी नाश हुआ है तो उसके संशय और ब्रह्म ज्ञान के कारण। और इस राम कथा को कहा संशय विहग उड़ावनिहारी, राम कथा के लिए ऐसा कहा गया, राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ाव निहारी, जो संशय की निवृत्ति करो। गुरु एक व्यक्ति जैसा कई बार दिखता है, पर गुरु व्यक्ति कभी नहीं होता, गुरु एक तत्व का नाम है, गुरु एक सत्ता है, एक अजेय सत्ता, एक मृत्युंजय कालजय सत्ता, एक वो सत्ता जिसमें कहीं कोई विकार नहीं है, जिसमें परम ज्ञान है, परम प्रकाश है, परमानंद है, वो सत्ता हमें हमारे स्वभाव की ओर लेकर आती है। और जब वो सत्ता हमारी श्रद्धा से मुखर हो जाती है तो गुरु का भी यही लाभ है और कुछ लाभ नहीं। गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्यास्तु छिन्न संशया। तो किसी ने पूछा कि गुरु का लाभ क्या है, गुरु सत्ता कैसे लाभान्वित करती है, तो गुरु सत्ता इस ढंग से लाभान्वित करती है कि आपके भीतर संशय नहीं रहेंगे। गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम, कई बार तो मुखर हो सकती है वाणी, शब्द कोई रूप धारण करके या वो अभिव्यक्त होकर बाहर आ सकते हैं, पर वो तत्व तो बड़ा मुखरित है मूक रूप से। शिष्यास्तु छिन्न संशय, तो तिमिराच्छादित अंतःकरण की जो संशय दैन्य प्रमाद आदि का जो भंजन कर दे, वो सत्ता भी कथा में ही प्रकट होती है। बड़े समर्थ संवाद देंगे। अब कल्पना तो करके देखो, जिसके भीतर से वेद ध्वनि गुंजरित होती हो, जिस ईश्वर की समीपता और अंतरंगता प्राप्त हुई हो, ऐसे गरुड़ जो हर पल नारायण की निकटता में ही रहते हैं, उनका आदेश पाकर ही वो कभी एक पल उनसे विलग होते हैं, अन्यथा तो उनके आदेश के अधीन रहकर उनकी समीपता ही तो उन्हें प्राप्त है। ईश्वर की निकटता जिसे अधिक से अधिक प्राप्त हो, ऐसे गरुड़ भी संवाद के लिए काक भुशुंड के पास पहुंचे। जब उनके भीतर कोई भ्रम हो गया, अब
आप एक बार कल्पना तो करके देखें, जो नारायण की निकटता में उसे उसे कैसे भ्रम हो गया होगा। तो वो राम की नारायण की स्थूलता देख रहे हैं। कई बार जब व्यक्ति स्थूलता देखता है, रूप देखता है, पदार्थ को देखता है, क्रियाओं को देखता है, बहिरंग आचरण को देखता है, ये ध्यान रहना रखना, व्यवहार में कहीं द्वैत होगा। जब भी कभी व्यवहार होगा उसमें कहीं न्यूनता और अधिकता हो सकती है। बहुत प्रयास करने पर भी कई बार व्यवहार अपनी समता खो देगा, बहुत बार भी व्यवहार में पवित्रता, बहुत श्रेष्ठता रखी जाए, फिर भी व्यवहार में कई बार असमानता आ जाती है। तो राम की दैन्यता देखकर कि वो एक वो अवस्था कि वो अशक्य हैं, असमर्थ हैं, निरुपाय हैं, निश्चेष्ट हैं, एक निशब्द काया, एक ईश्वरीय काया किसी नागपाश में बंधी है और मैं कारण बना उस बंधन के निवारण का। अंबर से उड़कर मैं ना आया होता, धरा पर गिरे राम की बंधी नागपाश में काया के बंधन मैंने न खोले होते तो वो तो कुछ पल में ही प्राणहीन हो जाते, गए तेजहीन। एक ऐसा भ्रम, कुछ बड़ी चीज जब हो और उसमें केवल अपने को ही एक कारण मान लें आप कि श्रेष्ठता के मूल में मैं हूं, इस समूची धरती जगती अंबर अंतरिक्ष आने वाले उजियारे में, प्रकाश में, उजास में, ऊर्जा में मैं एक मूल कारण हूं, तो इससे बड़ा भ्रम क्या होगा। वो शिव के पास गए थे, शिव ने कहा कि समझा तो मैं भी सकता हूं, आपके अज्ञान की निवृत्ति मैं भी कर सकता हूं, लेकिन जिस ढंग से काकभुजंड आपको सुना देंगे फिर कभी भ्रम नहीं होगा। एक सुनने की कला न भी हो तो सुनाने की कला हो तो व्यक्ति सुन लेता है। ये तो बहुत आवश्यक नहीं कि बालक को पढ़ना आए, वो तो गुरु उसमें उत्सुकता पैदा करता, रुचि पैदा करता, अंक में आखर में एक अबोध शिशु को अंक अक्षर में कहां रुचि होती है। पर गुरु अपनी कला से जो अबोध है उसमें बोध गम्यता, अथवा जो दुर्बोध है उसे सुबोध करता है। तो भगवान शिव ने कहा कि मेरे तो संवाद बड़े एकांगी रहते हैं, कभी कोई पार्वती प्रश्न करे तो मैं उत्तर दे देता हूं, पर ये जो इतना बड़ा भ्रम है ये तो भाई कथा सुन के निवारण होगा, काकभुषण के पास जाओ। और ये बड़ी बात है, अगर भ्रम निवारण के लिए आप उत्सुक हैं, अपने अज्ञान की जड़ों को छिन्न भिन्न करने के लिए, उसके समूलोच्छेदन के लिए, उसके उन्मूलन के लिए आप तत्पर हैं, आप इस बात के लिए उत्सुक हैं कि मुझे अपने भीतर के दुर्गुण नहीं रहने देने और मुझे श्रेष्ठतर अवस्था को प्राप्त होना है, तब गुरु तो प्रतीक्षा में बैठा है, उसी के लिए गुरु तो प्रतीक्षा में बैठा है, मां और किसकी स्मृति है। और सच मानिए मनुष्य होने का अर्थ यह है कि और बेहतर होना है। एक पल के लिए इसे सच भी मान लें कि पाषाण युग से हम निकले हैं और पत्थर को रगड़कर हमने अग्नि बनाई और कहीं हम मरकट झुंड से निकल कर आए हैं, हम कहीं कहीं बंदर थे, एक पल के लिए से भी सच मान लें तो देखो सही हमारी प्रगति, हम यहां तक पहुंचे, बंदरों के झुंड से यहां तो पहुंचे,
लेकिन यहां तक पहुंचना ही लक्ष्य नहीं है ना, और बेहतर। तो ध्यान रखना, दैवत्व तो हमारा लक्ष्य है, मनुष्य होने के बाद की जो अब यात्रा है वो दैवत्व तो की है, वो पूर्णता की है। एक और बात अगर आप न चौंक जाएं तो, मनुष्य होने का अर्थ है कि ब्रह्म होना है, अब ईश्वर होना है। तो मनुजता की यात्रा तब पूरी होगी जब ब्रह्मानुभूति हो, सत्यानुभूति हो, ईश्वरानुभूति हो। और उस दिशा में लगे प्राणियों ने यह बात कही कि जब उन्होंने अपनी इस यात्रा को संपन्न किया तो कहा उन्होंने, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि प्रज्ञानं ब्रह्म आयमात्मा ब्रह्म। तो मनुजता की जो यात्रा है उसका अवसान या उसका अंत या उसकी पूर्णता परमात्मा है। तो मनुजता की जो यात्रा है उसकी पूर्णता परमात्मा है, दैवत्व तो है, परम सत्ता है। आपकी यात्रा अद्वैत की यात्रा है कि दूजा कोई न रह जाए, आप अकेले रह जाएं, समग्रता में आप अनुभूत करें अपने को। वो धरती अंबर अग्नि जलवायु निहारिकाएं नक्षत्र जो कुछ भी व्याप्त है, भासित है, कल्पित है, जो विद्यमान है, दृश्यमान है, वो आप देखें अपने में, आप देखें सब में। तो समग्रता में आप देखें, एक अस्तित्व में आप अनुभव करें अपने को। इसलिए काकभुसुंड की ओर गरुड़ जी की यात्रा, वह ये बड़ी बात है कि मुझे अपने अज्ञान को छिन्न भिन्न करना है, भले ही वो फिर निम्न कोटि का पंछी क्यों नहीं है, मैं गरुड़ और कौवे के पास जाऊंगा, ये बात तो बड़ी बेकार हो जाएगी। हम गरुण हैं, मैं इतना महान, मुझे ईश्वर की निकटता, और मैं एक निम्न कोटि के पंछी के पास। पर भैया ज्ञान लेने तो कौवे के पास भी उत्सुकता से उड़े गरुण, शिव की बात मानकर। जब शिव ने कहा कि मैं स्वयं सुनने जाता हूं वहां, तो धन्य है भारत की संस्कृति, इसने कौवे से कथा कहलवा दी है। ईश्वर की बात कौवा बोलता है, मयूर बोलता है, पपिया चकोर बोलता है, गौवे बोलती है। मुडेर पर आगमन की आहट जिस ढंग से, अतिथि के आगमन की आहट जिस ढंग से कौवा दे सकता है, वो दूर तक की सोचना जानता है। लगता है कि उसके पास चेष्टाएं बड़ी चपल हैं, लेकिन उसकी चेष्टाओं में न केवल चपलता है, उन चेष्टाओं में वो कहीं ढूंढता है कि स्वर कौन सा है, क्या आहट है, हलचल क्या है। तो उस हलचल में, उस आहट में, उसे अतिथि के आगमन के स्वर मिलते हैं, और वो मुडेर पर पहुंचकर आपको संकेत देता है। क्या आप उसकी समझ को पैनी समझ नहीं कह सकते हैं? कितनी पैनी, कितना प्रखर, उसमें वो स्वर उसके अंतःकरण को छूता है कि यहां इस आंगन में वो दूर से जो अतिथि आ रहा है इस आंगन में आएगा। तो दूर की, बहुत दूर की ध्वनि जो सुन लेता है वो कौन है? जो दूर के स्वर जिसके हाथ लगते हैं, उससे भी कहीं और दूर के स्वर जिसके हाथ लगते हैं, उसे कपोत कहा। कपोत माने कबूतर। और भी बहुत दूर के कई लोक लोकांतरों के स्वर के संकेत, वो स्वर संकेत जिस अंतःकरण को पहली बार छूते हैं वो कपी हैं, उन्हें बंदर कहा। लेकिन जो कहीं से भी किसी भी पल में ईश्वरीय संकेत और देव सत्ता से एकीकृत हो सकता है, उसका नाम मनुष्य है। उसे मनुष्य कहा कि मनुष्य किसी भी पल में, क्योंकि उसके पास मन है जो सबसे अधिक समर्थ है। तो जिसके पास अधिक समर्थ मन है, वो कौवे का मन कितनी दूर की बात देख रहा है, कपी का मन, कपोत का मन। भैया जिस मन ने बादलों से बातें कर ली,
तो बादलों से और बयार से बातें जब करना भूल गया व्यक्ति, जब ईश्वर और देवताओं से वो संवाद करना भूल गया व्यक्ति, तो पंछियों के आश्रय में, और जब मन से बहुत दुर्बल हो गया था, तब कहीं कुछ संदेश वाहक आया, तब कहीं बटोही और पथिक, और उसके बाद तो फिर कहीं डाकी आ गया, अब तो कुछ और चीजें आ गई हैं, और तरह की चीजें। पर मनुष्य का मन कितना समर्थ है, बहुत समर्थ है। तो उस मन में एक श्रद्धा लेकर पहुंचे जब गरुड़ जी, तो भी गुरु मिले नहीं, गुरु की अभी निकटता भी उन्हें प्राप्त नहीं हुई, कि उससे पहले ही वो जो मूक वहां व्याख्यान है, जो उस परिवेश की जो पवित्रता है, उन्होंने सबसे पहले उसके संशय छिन्न भिन्न कर दिए। आध्यात्मिक परिवेश में ऐसी पवित्रता, और वो इतना समर्थ होता है कि वह अज्ञान नहीं रह सकता, और जब अज्ञान नहीं रहेगा तो वासनाएं, कामनाएं, स्पृहाएं, लालसाएं कहां रहेंगे? जब अज्ञानी रहेगा तो वो दुर्गुण कहां रहेंगे? तो कहीं मार्ग में ही चर्चा हुई और वो ज्ञान संपन्न हो गए। चलती फिरती कुछ बातें हैं, कुछ ऐसी कथा सुनकर और उनका चित्त शांत हो गया। तो जब चित्त अशांत हो, मन में भय हो, उस समय के लिए तो कथा है ये, लेकिन भैया जब बहुत शांत हो, प्रशांत हो, आप आनंद में हो, तब और अधिक जीवन में क्या करना है, सत्य को कैसे पाना है, इसके लिए कथा है ये। याज्ञवल्क और भरद्वाज के संवाद हैं ये। जब ऋषि परस्पर चर्चा करते हैं, जब उनकी एकांत गोष्ठी होती है, और कहीं भाग्य से आप महापुरुषों के एकांत के साक्षी बन जाएं, कहीं महापुरुषों की चर्चा हो, उनके सत्संग के आप हिस्से बन जाएं, तो भाग्यशाली क्षण कहे जा सकते हैं। तब बहुत से रहस्यों से आवरण भंग होता है, तब बहुत तरह से कहीं द्वैत मिटता है। और यह संवाद न केवल काकभूषण और गरुड़ के हैं, न केवल शिव और पार्वती के हैं, या याज्ञवल्क और भरद्वाज के हैं, सच तो ये कथा मन को सुनाई गई है, अपने मन को। स्वांत सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा। तुलसी बाबा से पूछा गया, रामायण लिख रहे हैं आप साधकों के लिए, जिज्ञासुओं के लिए, मुमुक्षुओं के लिए, तपस्वियों के लिए, जो अर्चक हैं, स्वाध्यायी हैं, शिष्य हैं, साधक समूह के लिए, तो उन्होंने करना ना, ये उसके लिए नहीं है। स्वांत सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा। तुलसी ने कहा कि जो रघुनाथ की चर्चा है, जो राम की चर्चा है, जो राम कथा है, ये किसी और को नहीं, अपने को। स्वांत सुखाए अपने को ठीक करने के लिए। और अगर समाज में कोई परिवर्तन लाना हो, परिवार में प्रीति और प्रसन्नता पैदा करनी हो, तो अपने से पहल करना, अन्य से नहीं। अगर आप कभी इस दिशा में कहीं चिंतित दिखाई दें कि परिवार में प्रसन्नता, समृद्धि, ऐश्वर्य, वैभव, एकात्मता कैसे पैदा की जाए, परिवार की शांति, और कैसे समाज को सुधारा जाए, या एक सभ्य समाज कैसे बनाया जाए, इस राष्ट्र का मंगल कैसे किया जाए, पूरी धरा पर किस तरह से आनंद की खेती बो दी जाए, कि पूरी धरा के अभाव को छीन लिया जाए और सब सुखी हों, क्योंकि यही तो ऋषियों के स्वर रहे हैं, लोका समस्ता सुखनो भवन्तु। भारत के ऋषि मुनियों का कोई मन तो पढ़कर देखे,
उन्होंने कहा लोका समस्ता, एक लोक नहीं सब जितने अन्य लोक हैं, लोका समस्ता सुखिनो भवंतु, सब लोके सब प्राणी प्रत्येक जीव मात्र, वो न केवल धरती और अंबर में भी शांति, ओम द्यौ शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, औषधियों की, जल की, निहारिकाओं की, सुषुमारों की, देव और पितरों की शांति, ब्रह्मादि की भी शांति, सब शांत रहें, संतुलित रहें, व्यवस्थित रहें, कहीं हलचल न हो, सब सुखी रहें, समृद्ध रहें, सर्वे भवन्तु सुखिनः। तो ये जो है दर्शन कहां से आरंभ होगा, ये कैसे कर सकते हो, सब सबको सुखी कैसे कर सकते हो, स्वांत सुखाय, पहले आप तो ठीक हो, आप पहले ठीक हो। जो आत्मवत सर्वभूतेषु की बात है, सर्वभूत हितेरता की बात है, वो पहले कहां से होगी, अपने से। इससे बड़ा उपदेश और क्या होगा भारतीय संस्कृति का, कि वो ये कहती है कि सबसे बड़ा धर्म कोई और नहीं, आत्मना प्रतिकूलानी परेशान न समाचरित, वो मत करना दूसरे के साथ जो आपको अच्छा नहीं लगता। बात छोटी सी है पर ये फिलॉसफी पश्चिम ने कभी पढ़ी, पश्चिमात्य जीवन दर्शन ने कभी, इस बात कितनी छोटी सी है। यहां से जीवन दर्शन आरंभ होता है हम भारतीयों का, हम भारत के प्राणी यहां से आरंभ करते हैं जीवन को, आत्मन प्रतिकूला नहीं, जो हमको अच्छा नहीं लगता वो अन्य के साथ न करें, हम ना करणीयम ना करणीयम। परमार्थ कुछ और नहीं कहा भारत ने, अन्य के हित सिद्धि का नाम ही परमार्थ है। हमारे यहां तो पुण्य की परिभाषा कितनी बड़ी बताई, परोपकार है, पुण्याय है। अगर पुण्य से ही परमात्मा और स्वर्ग मिलता है, पुण्य से ही अगर व्यक्ति में सिद्धियां आती हैं, तो पुण्य की परिभाषा करते हुए शास्त्र कहता है परोपकार है, पुण्याय है। भाई दूसरे की हित सिद्धि का नाम ही पुण्य है, न करें दूसरे के साथ। तो स्वयं के परिवर्तन की चिंता जहां है वो भारत की संस्कृति है। तो भारतीय संस्कृति ये कि अपने को ठीक कर लो पहले, स्वयं को, अपने को ठीक करो। और दीपावली के दिन एक चमत्कार तो आपने देखा ही होगा कि जो न गिने जा सके इतने दीपक जले, उन्हें जलाने के लिए कोई एक जलता हुआ दीपक सामने आया था, कोई एक। जो मुंडेर पर इतनी अवलियां, अवली माने पंक्तियां, दीपावली, अवली कहते हैं पंक्ति को, तो दीपावली में एक शब्द है दीप और दूसरी अवली, दीपावली, अवली माने पंक्तियां। तो दीपों की पंक्तियां और अंतहीन पंक्तियां जहां देखी जा सकती हैं, उस दिन को कह दिया दीपावली, कि जब दीपों की असंख्य पंक्तियां न गिनी जा सके इतनी पंक्तियां जहां हैं, दीपावली पर वो मुंडेर पर आलोकित प्रकाशित दीप एक किसी जले दीपक से जले थे, एक कोई दीप जलाया गया और उससे वो सब दीप जल गए। इसलिए स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, ये कथा ये खुद के परिवर्तन के लिए है। और अध्यात्म का अर्थ यही है, कुछ और नहीं। अध्यात्म का अर्थ है जो आपको आपके स्वभाव तक ले आए। अध्यात्म आपकी देह के पास लाकर खड़ा नहीं करता, देह के पास तो शीशा लाकर खड़ा कर देता है, दर्पण देख लो, देह देख लीजिए, देह देखनी हो न दिख रही है तो दर्पण में देखो भाई। कुछ चीजें देह धरातल पर आपको ले आती है, मानसिक बौद्धिक धरातल पर, लेकिन आपके पास बाहर की चीजें आपको नहीं लेकर लाएंगे, आपके पास अध्यात्म स्वभाव उच्चते, अध्यात्म स्वभाव उच्चते, अध्यात्म किसी और का नाम नहीं है, स्वभाव में लौटने का नाम अध्यात्म है। और कथा एक अवसर देती है कि आप अपने स्वभाव में लौट आए हैं, आप अपने जिस दिन भी जिस पल भी आप अपने अस्तित्व में लौट आएंगे, अपने स्वरूप में अपनी सत्ता में,
तब उसका फल आनंद है, उसका फल प्रसन्नता है, उसका फल सामर्थ है, वह भगवत्ता है। तो जिस दिन भी आप अपने आप में लौट आए, अखंडता में लौट आए, अव्यय में लौट आए, वहीं अच्युत बैठा है, उस मन में माधव वहां बैठा है। तो ये कथा अपने भीतर लौटाने के लिए है। गुरुजनों का ध्यान करते हुए, आचार्य ऋषि मुनियों का, हिमपत्तिकाओं में, गह्वरों में, गुहाओं में बैठे हुए उन महापुरुषों का, जो त्रिकालदर्शी हैं, व्यास परंपरा का ध्यान करते हुए, गौरी गणेश आदि इन सब का बहुत बहुत नमन करते हुए, अगर राम कथा में चलें तो पहला श्लोक बड़ा अद्भुत है। और कहीं उसके अर्थ में, उसके भाव में मन चला जाए तो बस पहले श्लोक में मन सहज हो जाता है। तुलसीदास जी लिखते हैं, वर्णनमर संघनाम रसानाम छंदसाम अपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायको। मंगलानां जिगरतारो वंदे वाणी बिना। वर्ण में, शब्द में, आखर में जो रस है, उस ब्रह्म की उपासना करते हुए कथा के बहुत आरंभ में संकेत यह है कि शब्द ब्रह्म है। इसे शब्द की उपासना करनी चाहिए। प्रत्येक शब्द को आदर देना चाहिए। प्रत्येक शब्द आदरणीय है और उसे सुना जाए। और एक कठिन बात जो बताई महापुरुष, कहते एक चीज बड़ी कठिन है और उसका नाम है सुनना। बड़ा कठिन है तो कठिन, और साधना तो और भी कठिन है। महापुरुषों ने कहा एक चीज बड़ी कठिन है और उसका नाम है सुनना। सुनत कठिन, समुझत कठिन। इस युग को भांप कर ही महापुरुषों ने बात कही होगी, और ये युग ऐसा है हम सुनना नहीं चाहते, और अभी सुन नहीं रहे, उससे पहले उत्तर तैयार है, प्रतिक्रियाएं तैयार है, उससे पहले आवेश और उत्तेजना तैयार है, उससे पहले सहमति और असहमति तैयार है। अभी सुना कहां है, कुछ अच्छा लगा तो सहमति है, सम्मति है, स्वीकृति है, अभी पूरा सुना नहीं है आपने कि असहमति है, प्रतिक्रिया है, टिप्पणी है, भीषण टिप्पणी, निषेध है। इसे सुना जाए। सुनना तीन बातों के लिए करो, तो सुनना सुनने के लिए करो, पूरा सुनो। दूसरा समझने के लिए सुनो, और तीसरा उत्तर देने के लिए सुनो। उत्तर देने में थोड़ी देरी कर देना, कुछ देरी करना, एकदम उत्तर मत दो, पहले तो सुनो कि सुना क्या जा रहा है, क्या कोई कह रहा है तो सुनो भाई, पूरा सुनो। जो उत्तर की त्वरा है, जो प्रतिक्रिया की तत्परता है, ये कोई बहुत अच्छा लक्षण नहीं है।
आपकी जो तत्परता है, ये जो बहुत त्वरा है, आप में जो बड़ी शीघ्रता है और जो अभी प्रतिक्रिया देने के लिए जो आप में एक बड़ी आतुरता है, ये कोई अच्छा लक्षण नहीं है। साधक उसे कहते हैं जो पूरा सुनने के लिए तैयार है और पूरा सुने, न केवल शब्द, नेत्रों को, उसके भाव भंगिमा को, उसके पूरे शरीर को, क्योंकि एक शरीर की भी भाषा है, बॉडी लैंग्वेज है। कई बार तो पूरा शब्द नहीं निकल पा रहा होता अभिव्यक्ति के लिए, कई बार तो शब्द उतने समर्थ हैं भी नहीं, शब्दों से कई बार पूरा पूरा नहीं बोल पाता आदमी, जिस ढंग से नेत्रों से कहता है, हाव भाव भंगिमा से बोलता है, अपने पूरे शरीर से कई बार बोल रहा है, उसके बाद भी उसे लगता है कुछ और ढंग से कैसे समझाया जाए। तो सुनो, और सुनने के लिए सुनो, और फिर इसलिए कि उत्तर देना है, तो जब भी बोलिए वक्त पर बोलिए, मुद्दतों सोचिए मुक्तसर बोलिए। बड़ी अद्भुत पंक्तियां हैं, जब भी बोलिए वक्त पर बोलिए। बोलने के लिए थोड़ा समय लो कि कब बोलना है, एकदम नहीं बोलो, सुनो सुनो, बहुत सुनो, वक्त पर बोलिए, जब भी बोलिए वक्त पर बोलिए। लेकिन बोलने से पहले क्या बताया, मुद्दतों सोचिए। बोलने से पहले मुद्दतों, मुद्दत करते युगों युगों तक सोचो, इतना समय लो। जब भी बोलिए वक्त पर बोलिए, मुद्दतों सोचिए मुक्तसर बोलिए। जब बोलो तो कंप्लीट बोलो, एक स्वर, एक एक वाक्य आपका समर्थ हो, पूर्ण हो, सभ्य हो, शिष्टता हो, उसमें पूरा आपका चिंतन दिखे और आपकी परंपरा। भाई साहब, कई बार जब व्यक्ति बोलता है तो घराना पहचाना जाता है, किस घराने का व्यक्ति है ये जो गायक है किस घराने से है। संगीत में तो तुरंत घराने का पता लग जाता है कि इसका जो आलाप है, इसकी जो बंदिश है, इसका जो बोलना है, ये व्यक्ति नहीं बोल रहा, पूरा घराना बोल रहा है। कई बार व्यक्ति की विद्या से पता लगता है कि ये नहीं, इसका गुरुकुल बोल रहा है, इसके गुरु बोल रहे हैं, इसके पीछे की विद्या बोल रही है, गुरुकुल। कई बार व्यक्ति कहां बोल रहा होता है, गुरु बोल रहा है, संगठन बोल रहा है, संस्था बोल रही है। लेकिन जो संस्था और संगठन के अनुशासन में रहे हैं तभी संस्था और संगठन बोलेगा उनके भीतर से। जिन्हें परिवार का अनुशासन मान्य नहीं, जिन्हें घरानों की हदें और सरहदें मान्य नहीं, वहां के मूल्य और वहां की परंपरा अगर मान्य नहीं, तब उनके भीतर से न तो संगठन बोलेगा, न संस्था बोलेगी, न संप्रदाय बोलेगा। गुरु तो तब बोलेगा जब बहुत बड़ा अनुशासन, लंबे समय का अनुशासन आपको मान्य है। अच्छे साधक एक पल में पता लगा लेते हैं कि जो व्यक्ति बोल रहा है ये थोड़े बोल रहा है, इसके पीछे की परंपरा, इनका गुरुकुल, इनके गुरु, इनका संप्रदाय, इनकी साधना। किसी के बोलने से उसकी साधना एक पल में पता लगाई जा सकती है, जैसे घराने का पता लग जाता है संगीतकार का। तो जब भी बोलिए वक्त पर बोलिए, मुद्दतों सोचिए मुक्तसर बोलिए। जब बोलो तो पूरा बोलो, समर्थ होके बोलो, आपके भाषा में सामर्थ्य तब आएगी जब आपका अध्ययन होगा, चिंतन होगा, अनुभव होगा। और कई बार तो एक वाक्य में भी बड़ा चिंतन परोसा जा सकता है, बड़ा अध्ययन दिखता है, झलकता है अनुभव का, अनुशासन का पता लगता है कि व्यक्ति ये बहुत पक्का पकाया है। और भैया उन्हीं पत्थरों की पूजा की हमने, उन शालिग्रामों को जो रगड़ 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 गोल मटोल हो गए, जो बहते रहे बहते रहे बहते रहे, उछलने की जिनमें उमंग कम थी, समूह में रहकर अनुशासन के साथ जीने की तरंग जिनमें देखी गई, वे शालिग्राम अधिक आकर्षित करते हैं हमको। तो तुलसीदास जी ने कहा है शब्द साधना है, तो पहले शब्दों को प्रणाम किया है, उसके रस को, और जिसके बिना समझा नहीं जा सकता, जिसके बिना ईश्वर को देखा नहीं जा सकता, ऐसे श्रद्धा विश्वास को प्रणाम करते हुए
और रूपक बनाया उन्होंने, वंदे भवानी शंकरो, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्ततमीश्वरम्। भवानी और शिव की वंदना विश्वास और श्रद्धा के रूप में की गई और ये बात कही गई याभ्याम बिना न पश्यन्ति। इन चर्म चक्षुओं से बाहर की चीजें तो देखी जा सकती हैं, पर भैया कुछ बड़ी चीजें देखनी हो तो उनके लिए दूसरी आंखें चाहिए, उनके लिए अंतर के चक्षु चाहिए, अंतर के उनमें चाहिए श्रद्धा और विश्वास। विमूढ़ा नानु पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुष। तो बहुत आरंभ में कथा में यह बात कही कि श्रद्धा और विश्वास के बिना देखा नहीं जा सकता। गुरु की वंदना में शिव को बहुत आदर देते हुए कहते हैं यमाश्रितो ही वक्रोपी चंद्र सर्वत्र वंदिते। ये गुरु की महिमा है। ये धोबी की बात हमने देखी कि उजले कपड़े कोई नहीं देता उसे धोने के लिए, मैले कपड़े ही उसे मानने हैं, अच्छा लगता है। ढेर लगा दिए जाते हैं धोबी के पास मैले कपड़ों के, कि इन्हें धोकर लाइए। एक तरह से वो धोबी जैसा काम तो करता है, वो सृजनशील तो है, रचना धर्मी तो है, इसलिए उसे गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेव महेश्वर। ब्रह्मा इसलिए कहा कि वो अच्छी उत्पादकता हो सके, आप अच्छी रचनात्मकता के साथ जुड़ सके, कुछ अच्छी रचना हो आपके द्वारा। वो ब्रह्मा इस रूप में है कि वो उसके ज्ञान से आप में कुछ अच्छा प्रकट हो, आपकी उत्पादकता में बड़ा बड़ी उच्चता हो, आकर्षण हो, आनंद हो, सब उसे लाभान्वित हो। जो कुछ भी आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो भी आपकी उत्पादकता है, गुरु विष्णु वो पुष्टिकारक हो, तुष्टिकारक हो। गुरुदेव महेश्वर जो अच्छा नहीं है उसे भस्म कर सके, जो हे है निंदनीय अग्राह्य अमान्य है अपूज्य है दाहक है मारक है, जिसके कारण विकलता पैदा होती है उसे भस्म किया जा सके आपके ज्ञान के द्वारा। या कि हलाल है तो कंठ तक सीमित रहे, उदरस्थ न हो या कि उसका वमन न कर दे। वंदे बोधमयम नित्यम, वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणम यमाश्रितो हि वक्रोपी चंद्रः सर्वत्र वंदते। साधना की कोई बहुत उच्चतम अवस्था है तो उसका नाम समर्पण है, और जब आप इष्ट के लिए समर्पित हो जाते हैं फिर आप जैसे भी हैं, अब फिर जैसे भी हैं, भाएं को भाएं अनख आलस हो, एक बार भगवान का नाम लो वो मांगल्य पैदा करेगा। या कि सन्मुख होए जीव मोहे जब ही जन्म कोट अघना सई तब ही। फिर जैसे भी हैं आप, एक बार समर्पित हो जाने का अर्थ है कि आप भी वंदनीय बन जाते हैं, आप भी वैसे ही बन जाते हैं जैसा वो है। एक स्वभाव देखा हमने अपना कभी, हम मनुष्यों ने कई बार हम परिवेश में ढल जाते हैं वैसे ही हो जाते हैं, हम किसी चीज को बहुत मान लेते हैं और फिर जीवन भर मानते रहते हैं। हमें को दो चार दस भी बार दस बीस पचास बार कोई बता दे ये ऐसा 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 है, बस हम मानने को तैयार हैं। जैसे जन्मांतर की एक हमारी मान्यता कि मैं देव हूं,
रूप, कुल, गोत्र, वंश, परंपरा, जाति, संप्रदाय का आग्रह इतना पीछे पीछे रहता है, मैं यही हूं, मैं ऐसा ही मान लेता हूं अपने को। और एक बात और है, इसी सोच के कारण शायद हम ज्ञान के पंख लगाकर जब उड़ते हैं तो अपने को ब्रह्म मान लेते हैं। ठीक जब कभी हम में वे धारणाएं पुष्ट होती हैं, देह अध्यास जिस दिन टूट जाए, जिस दिन ये भ्रम टूट गया हमारा कि मैं देह नहीं हूं, देह सच नहीं है, मैं देह नहीं हो सकता, मैं मन नहीं हो सकता, तो जिस दिन भी ये भनक लगी कि आप क्या हैं, तब उसी दिन आपके मुंह से निकलता है चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। यमा शतो ही वक्रोपी चंद्र सर्वत्र वंदिते। फिर वो टेढ़ा और अधूरा चांद भी माथे पर क्या बैठा कि वंदनीय हो गया। ये महिमा है गुरु की। इसे जिस ढंग से द्वितीया के चंद्र ने, दूज के चांद ने जो आदर लिया है, न केवल मनुष्य जाति से, देवता और पितरों से भी, भैया उतना आदर तो पूनम के चांद को भी नहीं मिला होगा, उतना आदर तो पूर्णिमा के चंद्र ने नहीं प्राप्त किया है जितना द्वितीया के चांद को मिला है। अरे भोर में द्वितीया का चांद देखते ही पूछो तो सही क्या निकलता है मुंह से, राम राम जी। और सांझ को भी राम राम जी। दूज का चांद क्या देखा कि राम राम, और उसे प्रणाम कर रहे हैं। वाल्मीकि और हनुमत की वंदना कवीश्वर कपीश्वर के रूप में, सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारण, उस पुण्यारण्य की कल्पना करते हुए हनुमान और वाल्मीकि की, ये देखिए विनम्रता है तुलसी की कि परंपरा से सबको आदर दो पहले, कुछ अच्छा करने जा रहे हो तो गुरुओं को, ज्येष्ठ जनों को, ऋषि मुनियों को, उनको आदर दो, उनसे पूछ लो उनकी सम्मति है कि नहीं, शास्त्र क्या कहता है, उनके अनुभव क्या कहते हैं। कुछ बड़ा काम करने जा रहे हो तो अकेले मत करना, माता पिता से पूछो, ज्येष्ठ जनों से पूछो, विद्वानों से पूछो कि पंचांग खोल के देखो, ऋतु क्या कहती है, प्रकृति क्या कहती है, ग्रहों का संकेत क्या है, जरा भावी उघाड़ कर तो देखो, भविष्य हमारे लिए अनुकूल है कि नहीं। मुनियों के पास जाइए, गुरुजनों से पूछो, अपलाभान्वित होंगे। कुछ करने जा रहे हो तो पूछ लेना महापुरुषों से, माता पिता से, परंपरा से, विद्वानों से। ऐसे तुलसीदास जी जब रामायण की ओर बढ़े तो उन्होंने कहा कि जब गुरुजनों की बात चल रही है तो चलो प्रणाम कर लिया जाए, कवीश्वर कपीश्वर, हमारा जो भी अस्तित्व है महापुरुषों से, माता पिता से, हम उनके बिना हैं कहां। कभी अपना वंश वृक्ष बनाकर तो देखना, आप ऊपर नहीं मिलेंगे, नीचे। कभी फैमिली ट्री आपने बनाई अपनी, तो फैमिली ट्री में आपके ऊपर आपके पिता के पिता के पिता के पिता हैं, सबसे ऊपर आप नहीं हैं, आप बहुत नीचे हैं। और फिर आपके नीचे अगर कोई है तो फिर आपके बच्चे हैं, फिर उनके बच्चे हैं। फैमिली ट्री बनाकर देखिए, ऊर्ध्वमूल अधःशाखा, ऊपर तो परमात्मा ही है, इसलिए उनसे पूछकर चलो। तुलसीदास जी राम कथा कह रहे हैं, तुलसीदास जी ने सबकी वंदना की, अभी वो राम को शीश नहीं झुका रहे हैं, उन्होंने इतने सबको पहले प्रणाम किया, प्रणाम की श्रृंखला में उन्हें लगा कि राम सीता सामने हैं तो किसे प्रणाम करें, अब तो सबको प्रणाम करते हो सब, अब आगे सिया राम सीता राम है, बस शिव और पार्वती की वंदना की, गौरी गणेश की वंदना हो गई, महापुरुषों की वंदना कर ली, गुरुजनों का स्मरण कर लिया, अब तो इष्ट सामने हैं, और जब इष्ट सामने हैं सिया राम सीता राम तो पहले किसे वंदन किया जाए। बस ये परंपरा है, ध्यान रखना माता पिता में पहले किसके चरण छुए जाएंगे, कितनी अद्भुत वो परंपरा का अनुसरण कर रहे हैं।
मातृ देवो भव, पहली कोई मां है तो वो, पहली कोई गुरु है तो वो मां है, पहला देवता मां है। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, जो पितृ सत्ता है, जो पितृ ऋण है, या जो पितृ सत्ता है, उस पितृ सत्ता में माता पिता दोनों है, पितृ सत्ता में, लेकिन पितृ सत्ता में भी पितृ सत्ता का पोषण और संवर्धन जिसके द्वारा होता है वो मां है। सर्वश्रेष्ठ करीम सीता ऐसा कहकर उद्भव स्थित संहार कारणी सर्वश्रेयस करीम सीता न तो हम राम बल्लभा। उद्भव स्थिति संहार कारणी, यहां जो कुछ भी है, जो यहां उद्भव हो रहा है, जो कुछ भी यहां उद्भूत है, जो कुछ भी यहां उपज रहा है, प्रकट हो रहा है, जो कुछ भी यहां उत्पादन हो रहा है, उसकी कारक सत्ता वो स्वयं है, उसके न केवल उपजाने की, उसके विकास की, उसकी उन्नयन उन्नति की। और अगर उसमें कुछ हेय है कि पात पीला है, तो जब पात पीला होकर झड़ गया तो वो क्षरण भी है, न केवल वो हरितिमा तक है, बल्कि वो पात की उस पल्लव की पीतता के साथ झड़कर नीचे खाद बनने तक है। पर ये सब श्रेयस्कर सत्ता है, श्रेयस्करीम। बस इतना ध्यान रखना, माया यहां डुबोने के लिए नहीं है, भटकाने के लिए नहीं है, भरमाने के लिए नहीं है। ये हमारी मनगणंत कहानियां हैं कि माया तो भ्रम आएगी, भटकाएगी, जीव को घुमाएगी, जंजाल है ना भैया, ऐसा नहीं। क्या ये बात याद रख सकते हैं आप कि ईश्वर कभी अनिष्ट नहीं करेगा? इस धरती पर कोई ऐसी चीज बनाई नहीं गई कि जिससे आपका मंगल हो, सब कुछ आपके हित के लिए तैयार किया गया है यहां, उसका विधान सर्वथा हितकारी है, और उसके विधान के संचालिका परांबिका सीता के लिए का सर्वश्रेयस करीम सीता, कि जिसे श्रेयस्कर ही होगा। राम को ईश्वर कहकर तुलसीदास जी कहते हैं, यन माया वशिवर्त विश्वमखिलं ब्रह्मादि देवासुरा यस्सत्वादिमृषैव भाति सकलं रज्जौ यथारहे भ्रमः यत्पादप्लवमेकमेवो हि भवाम्भोदे स्थितिरिषावतां वन्देऽहं तव शेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिं। रामाख्यमीशं हरिं, वो सत्ता जिसके द्वारा चतुरानन के चातुर्य से जैव जगत का निर्माण होता है, जिनकी ज्ञान सत्ता से हेय पदार्थों का संहार होता है, जिनके द्वारा कोटि कोटि ब्रह्मांडों का संचालन होता है, तुलसीदास जी उनका परिचय दे रहे हैं रामाख्यमीशम हरिम। उसे राम कहते हैं और वो ईश्वर है, ऐसे कहकर उन्हें शीश नवाया। सोरठे में गणेश आदि की वंदना, कुछ सोरठे हैं बहुत आरंभ में, जिसके स्मरण से सिद्धि शुभता लाभ हो, ऐसे गणेश आदि को सोरठे में प्रणाम करते हुए आइए पहली चौपाई उठाते हैं रामायण की, जिसकी बहुत देर से मैं संभावनाओं को ढूंढ रहा हूं कि रामायण की पहली चौपाई हाथ लगे तो कथा सर कहें। इस सृष्टि में एक उत्पादन जो स्थूल उत्पादन है, जिसमें आकार है, रूप है, देह है, कोई काया कलेवर है,
वो उत्पादन बिंदु सृष्टि के अंतर्गत आता है, अंडज पिंडज उद्भिज स्वेदज जितने भी जीव हैं यहां, जलचर थलचर नभचर जितने भी प्राणी हैं यहां, वे सब बिंदु से हैं। जैसे हम स्वयं मनुष्य माता पिता के रज वीर्य का विस्तार है, तो जितने भी प्राणी हैं वो नर मादा से, कोई नर मादा का संयोग है, नर मादा के भीतर के आकर्षण के बाद का कोई एक आकार, ये काम की उपज है हम, जो हमें निरंतर कामना रहती है, सुख वांछाएं रहती हैं, जो जिज्ञासा हम में कि जीवन बना रहे, देह बनी रहे, हम सुख भोगते रहें, हमारे यश का विस्तार हो, हमारा वर्चस्व बना रहे, हमारे पास प्रभुत्व हो, जो सब में लगभग नेतृत्व की भूख है कि हमारे अधीन रहें सब, हम बने रहें, ये जो काम है इसकी उपज है हम, तो माता पिता की बिंदु का विस्तार है, उनके रजवीरे का विस्तार है हम सब, और जितने प्राणी हैं वो नर्मदा के आकर्षण नर्मदा के संयोग से यहां जन्म ले रहे हैं। एक ये उत्पादन है, पर हम मनुष्यों में एक भिन्न उत्पादन है और वो है नाद सृष्टि। ईश्वर की दो प्रकार की सृष्टि है, एक सृष्टि ये स्थूल सृष्टि जिसमें देह आदि दिखाई दे रही है, एक है नाद सृष्टि। नाद माने कुछ आध्यात्मिक तरंगे, कुछ देवीय तरंगे, ईश्वरीय तरंगे, उन ईश्वरीय तरंगों के साथ जब जो व्यक्ति जुड़ गया, जब उन तरंगों के साथ जो व्यक्ति जुड़ गया, तब इस देह कक्षा से, इस भौतिकीय कक्षा से, या ये बहुत ही जो मैटर एक ऑर्बिट है, इससे छलांग लगाकर वो परम सत्य को उपलब्ध हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है जैसे सैटेलाइट की कल्पना करो, जो उपग्रह है उनकी कल्पना करो, बिल्कुल वैसा ही है हम सब जितने भी हैं, हमारा अपना भोग भाग्य, हमारा भी अपना एक है जाति आयु भोग भाग्य प्रारब्ध, हम भी यहां एक उपग्रह की तरह से हैं, कर्मानुसार फिर हमारी जो गति है वो इस तरह से जाती है, या तो श्रेय मार्ग की ओर या प्रेय मार्ग की ओर। हम अपने भोग भाग्य से कोई रूप धारण कर लेंगे, मूलतः तो हम बुनकर हैं, जुलाहे हैं, अपनी देह खुद बना रहे हैं, ये हमने खुद बनाई है, ये काया खुद बुनी है, ये बड़े पुण्यों का परिणाम कि हम मनुष्य बन गए, और अब हम क्या होंगे, ये हमारी कर्मों की गति हमें उस ओर लेकर जाएगी। गति, हम हमारी गति किस ओर है, हम किस ओर हैं, कहीं हमें आध्यात्मिक तरंगे मिल गई, वो नाद हमें कहीं मिल गया, तब फिर ये जो एक पदार्थ की कक्षा है, या कि जो देह जहां मिलेगी उससे पृथक, उस परिधि से पृथक, तो जरा कल्पना करके देखो, एक बहुत अच्छी बात बता रहे हैं हम, अखंड मंडलाकारम, इसके बिल्कुल भिन्न अर्थ है। ईश्वर को के साथ जुड़ा हुआ गुरु अखंड मंडलाकारम, एक सर्कल बताया, एक वृत्त बताया, एक गोले की तरह से, अरे गुरु को गोला बताओगे, गोलार्ध में से निकल कर आओ व्यास त्रिज्या, अरे अद्भुत गणित है गुरु का, ध्यान से सुनो, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन
तस्मै श्री गुरवे नमः। इतना गूढ़ ज्ञान है ये अखंड मंडलाकार, जिस दिन भी उसकी तरंगों के साथ आप जुड़ गए, इस ऑर्बिट से परे कहीं तक ही तो आकर्षण है, गुरुत्व का धरा का कहीं से तक तो आकर्षण है। अब वो किसने क्या सिद्धांत बताया उसमें हम नहीं जानते, पर हां कोई बगीचे में बैठा था, एक सेब गिर पड़ा, नीचे आया, वो कहता ऊपर क्यों नहीं गया। ये पश्चिम के लोगों की सारी कहानी सेब के आसपास आकर अटकती, इनका सारा मैटर सारी कथाएं एप्पल पे अटकी हुई हैं। कहते हैं कोई एप्पल ले लिया, चख लिया, छू लिया, खा लिया सेब, और फिर धरती पे नीचे आ गए, एक ने खा, दोनों ने खा के नीचे आ गए एप्पल, तो धरती में नीचे गिरा वो सेब। कहते आकर्षण है कोई भैया। अच्छा ये उपनिषदों में भी बिल्कुल ये एप्पल की कहानी ऐसा नहीं है, ये पश्चिम की कहानी है, उपनिषद भी ऐसा ही कहता है, वेद में भी बिल्कुल यही बात बताई है। द्वापरणा सयुजा सखाया, एक ही डाल पर दो हैं, एक चख लेता है तो नीचे धड़ाम से गिरता है, और जो नहीं चखता वो ऊपर रहता है, तो जिसने चख लिया वो नीचे आएगा, जो भी रस के आकर्षण में नीचे ही रहेगा वो। जिस जो भी व्यक्ति पदार्थ के जगत के रस के आकर्षण में है ऊपर नहीं जा सकता, नीचे ही रहेगा, रस का नीचे ही रहेगा, रस का आकर्षण ही ऐसा है, इसे छूने से चखने से देख ले। लगे किस बात में, हम इसी में तो लगे, ये अलग सत्ता। अखंड मंडलागरम व्याप्तम ये, तो गुरु कौन, जो अपनी तरंगों से हमारे भीतर की चेतना और चित्त को पकड़कर और ऊर्ध्वगमन कर दे। अरे भाई कोई सदगुरु संत कहावे, जो नयनन अलख लखावे, धरती उखाड़े आकाश उखाड़े अधर मढ़ैया छावे, शून्य शिखर की सार शिला पर आसन अचल जमावे। रे भाई कोई सदगुरु संत कहावे, कर्म करे निष्कर्म रहे जो ऐसी जुगति बतावे, प्राण पूज्य क्रिया से न्यारा भोग में जोग जगावे। रे भाई कोई सदगुरु संत कहावे, भोग में जोग जगावे, भोग से विरक्त कर दे, वासना को जो उपासना बना दे। देखिए भोग और उपयोग शब्द हैं, एक उपयोग है एक उपभोग। जब हम जीवन के उपयोग की दिशा में सदुपयोग की दिशा में बढ़ते हैं तब वो योग की दिशा है, और जब इन पदार्थों के रस सुख और आकर्षण में उलझते हैं तो भोग की दिशा है वो, और उसकी मात्रा तय की गई है। अधिक मात्रा में फिर वो काम रोग बन सकता है, और अगर वो एक संतुलित है संयमित है, काम माने जगत को भोगना, तो वो योग बन सकता है। तो दो प्रकार की सृष्टि, एक में तो ये हम उपजे गए और एक नाद सृष्टि। तो जैसे सैटेलाइट इधर उधर जा रही है और फिर वो आकर्षण से नीचे उतारी जा सकती है, लेकिन एक आध्यात्मिक तरंगें वैसी हैं कि उसको बूस्टअप करती हैं उन्नयन, और उसमें अधिक एक दबाव देकर आकर्षण से मुक्त कर देती हैं। बस इतना सा ही अंतर है। आपकी हथेली पे चना रख दिया जाए, कच्चा एक भुना हुआ, कच्चे चने में अंकुरण की संभावना है, और जो चना अग्नि के संपर्क में आकर भुन गया है, जो चबाने के लायक है, जिसमें पौष्टिकता है, भैया उसमें अंकुरण की संभावना नहीं। इसे एक ज्ञानाग्नि है, तो ज्ञानाग्नि से दग्ध किया जा सकता है आकर्षण, ज्ञानाग्नि से। तो बिल्कुल रामायण के आरंभ में, कथा के बिल्कुल आरंभ में यह बात कही गई, जो बहुत ही अद्भुत बात है कि उसके प्रभाव से भीतर की आंखें खुलती हैं, और जो भव रजनी का तम है, भव रजनी, भव कहते हैं जगत को, और इसे रात्र बताया गया, इसे मोह निशा बताया गया,
इसमें आंखें खुल सकते हैं। तो गुरु किसे कहेंगे, जिसकी कृपा से भीतर की आंखें खुल जाए, जिसकी कृपा से हम इस संपूर्ण आकर्षणों में उलझे मन को मुक्त कर सके। एक और बात, जो दुर्बोध को सुबोध कर दे। एक और बात, जो भोग में जोग जगाते हैं, जो ये सारे पदार्थों में हम जो पूरा संसार में जो उलझे, ये सारी चीजें योग बन जाए। ऐसी युक्ति बतावे रे भाई कोई, सदगुरु संत कहावे। रामायण के आरंभ में संतों की महिमाएं, सत्पुरुषों की महिमाएं, तीर्थों की महिमाएं, ये बात तो देखी गई। सत्संगत्वेन जीवन मुक्ति, संत विचार मूर्ति ज्ञान मूर्ति होता है, केवलम ज्ञान मूर्ति, ये बात तो देखी गई कि विचार व्यक्ति को बदल तो देता है। और मनुष्य इससे अनभिज्ञ है, इस सत्ता से अनभिज्ञ है। कोई बहुत महंगी से महंगी और मूल्यवान कोई हमारे पास सत्ता है तो वो क्या है, विचार सत्ता, चिंतन की सत्ता। अभिव्यक्ति तो हमारे पास सबसे बड़ी सत्ता है। विचार से बड़ी सत्ता हमारे पास क्या होगी, चिंतन से बड़ी सत्ता क्या होगी? क्या मननशील प्राणी है, विचारशील प्राणी है, चिंतनशील प्राणी है? हम संकल्प करना जानते हैं, हम सोचना जानते हैं, हम बोलना जानते हैं। तो उपहार में सबसे पहली कोई वस्तु मनुष्य को प्राप्त हुई जो ईश्वरीय वस्तु थी, जो पशुओं को नहीं दी गई, पंछी परिंदों को, वनस्पति और प्रस्तरों को, झील जलाशय और अन्य किसी प्राणी और देहधारी को जो नहीं मिली, ईश्वरीय वस्तु उपहार में। ईश्वर ने कहा कि ये मेरा प्रतिनिधि है, धरती पर भेजा जा रहा है। सच में पहले मैथुनी सृष्टि नहीं थी, पहले मानसिक सृष्टि थी, काल्पनिक सृष्टि थी, मन की उपज थी। मैथुनी सृष्टि तो मनु शत्रुपा से बनी, हम फिर मनुष्य कहलाए। तो मनु शत्रुपा से जब हम मनुष्य बने, मनुष्य कहलाए, तो उपहार में भगवान ने एक वस्तु हमें दी कि मनुष्य धरती पर जा रहा है, एक चीज से पकड़ा दो। भगवान ने अपनी वस्तु दे दी, कौन सी? विचार की सत्ता, संकल्प की सत्ता, चिंतन की सत्ता। इसलिए मनुष्य के पास महंगी से महंगी कोई वस्तु है जो ईश्वरीय वस्तु है, जो प्रसाद रूप में परमात्मा ने कोई बड़ी चीज दे दी है, उसका नाम है विचार, उसका नाम है चिंतन, उसका नाम है अभिव्यक्ति। तो संकल्प की सामर्थ्य बड़ी सामर्थ्य। तो जिस दिन मनुष्य संकल्प कर ले, और उसके लिए बार बार प्रेरणाएं दी गई, शास्त्र कहता है, वेद बार बार आग्रह करता है, तन्मे मना शिव संकल्प मस्तु। अरे मनुष्य, बड़ा संकल्प करना, अच्छा सोचना। और सच मानिए, व्यक्ति सोच कर ही बहुत बड़ा हो जाता है, और कई बार बहुत बड़ा व्यक्ति भी छोटे विचार से बहुत छोटा हो जाता है। विचार व्यक्ति को बहुत छोटा कर देता है, अगर वो निम्न स्तर का है, अगर बहुत ही छोटे धरातल का विचार है, तो व्यक्ति धड़ाम से धरती पर गिरता है। एक व्यक्ति कोई नहुष, एक राजा कोई नहुष, और वो इतना विचारवान था कि देवताओं को एक बार अचानक इंद्र पद रिक्त जानकर इंद्र की आवश्यकता पड़ी। यम वरुण कुबेर आदि देव ग्रह देव गुरु बृहस्पति सनकादिक ब्रह्मा आदि, तो इन्होंने कहा कोई बड़ा विचारवान पुण्यवान, कोई ज्ञानवान शीलवान प्रज्ञावान, अरे कोई पुरुष ढूंढो धरती पर। जब इंद्र ही चाहिए तो देवताओं में से क्यों, कोई इससे भी बड़ा कोई व्यक्ति हो तो धरती पर ढूंढ लो। और सभी देव बड़े चकित हुए, सनकादिक नारद यम वरुण कुबेर अप्सराएं विद्याधर गंधर्व किन्नर आदि यक्ष भी इतने हर्षित हुए कि चलो धरती पर एक बहुत महान आदमी है, और नहुष को इंद्र चुन लिया उन्होंने, ये कहकर कि आप
बड़े विचारशील प्राणी हैं, इतना ऊंचा सोचते हैं, हम तो ऐसा सोच भी नहीं सकते। इतना ऊंचा, इतना सुंदर, इतना महान, हम कभी सोच ही नहीं सके ऐसा। जितना सोचना अच्छा आपको आता है, और ये सूत्र है इसे याद रखना, हम सोच कर ही बीमार पड़ जाते हैं, नींद नहीं आती, करवटें बदलते रहते हैं रात भर। जिन्हें सोचना नहीं आता, विचार करना नहीं आता, जिनको यही नहीं पता कि कब कौन आवारा विचार उनके भीतर घुस गया है, कब वो उतना सस्ता कर दिया, तो इतना महान है ये सोचना जानता है, और उनको इंद्र बना दिया। पर इससे ऋषि थोड़े चिंतित हुए कि भाई केवल सोच विचार करके आदमी ऊपर तो चला गया, पर गलत भी तो सोच सकता है, कभी सस्ता सोचने लगा तब। तो ऋषियों ने कहा कि ये देखें सोचने के बाद क्या चाहता है, इंद्र पद के बाद क्या सोचेगा, ये ध्यान से सुनने वाली कथा है कि नहुष सभी देवताओं में पूजित हुए, और पूजित होने के बाद फिर ऋषियों ने उन्हें बड़ा, देवताओं ने बड़ा मान लिया, पर विचारवान ऋषियों ने, प्रज्ञावान ऋषियों ने, विशेषकर सप्त ऋषियों ने कहा इसकी परीक्षा लेते हैं कि इसमें पहला विचार क्या आएगा इंद्र बनने के बाद, इंद्र बनने के बाद पहला थॉट क्या आएगा इसके अंदर। अच्छा, कभी आंख खुलते ही आप में पहला विचार कौन सा आता है, जैसे आंख खुली आपके अंदर, हाथों को चूमने का, कराग्रे वस्ते कर मध्य, ऐसा कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, क्या यह आता है, धरती को चूम ले, दिया, प्रणाम, प्रदक्षिणा, यज्ञ, दान, सेवा, सत्कार, जप, सूर्य को अर्घ, कौन सा आता है पहला, कि चलो वो हाथ में उसे उपकरणों को ऑन करो, देख लो क्या है, रात भर में क्या चलता रहा। कई बार ऐसा भी है, हमारा सवेरे उठ के आदमी उपकरणों के साथ उलझता है और सारा चिंतन उसने अपने जैसा कर लिया है, मशीन की निकटता ने मन को मशीन बना दिया है। पहला विचार क्या आएगा, तो पहला विचार उनके भीतर यही आया, मनुष्य है ये कामी है, काम से पैदा हुआ है, तो पहला विचार ये आया कि मैं इंद्र सभा में जाऊं, देवगुरु के पास बैठूं, बृहस्पति से आशीष लूं, कोई बड़ा संकल्प, देव बुद्धि मेरी बने, ना ना ना, वो कहता है मैं सची के निकट चलूं। तो पहला विचार ही सची की निकटता, ये इतना बड़ा सौंदर्य, अब मैं इंद्र हूं तो मुझे सची का सौंदर्य देखना है भाई, मुझे यहां के आभूषण देखने, भोग देखने, मुझे कल वृक्ष को छूना है, मुझे कामधेनु देखनी है, मेरे अधिकार में क्या है यहां। और ये बड़ी सामान्य बात है भाई, इसको अन्यथा मत लो, आपको केवल अधिकार याद आते रहे अपने और कर्तव्य आपको याद ना आए, कि आपको करना क्या था, करना क्या चाहिए, आप क्या कर सकते हैं, आपको क्या क्या मिलता रहे, आपको केवल अपने अधिकार याद रहे, उनके लिए आप इतने चौकन्ने रहे। अब मैं इंद्र बन गया तो मेरा अधिकार क्या है, मेरा अधिकार है कल वृक्ष से कुछ भी मांग लेने का, कामधेनु से कुछ भी प्राप्त कर लेने का, और सची परम मेरा अधिकार है। तो सप्त ऋषियों को पालकी में कहार बनाकर जोत लिया और मस्तक पर प्रहार कर रहा है उनके, कि मेरे अनुचर हैं आप, तेज चलिए, दौड़िए। और इतना अभिमान, इतना लोभ, भीतर ऐसा काम और पदार्थों के लिए ऐसी एक वो छूने की उत्सुकता देखी तो ऋषियों ने श्राप दे डाला, अरे मूर्ख जड़, तू हमें सर्प सर्प कहता है, तेज चलने की बात कहता है, सर्प हो जा, पुण्यों से तू पहुंच तो गया यहां तक, लेकिन एक अकाम मन चाहिए, आप्त काम मन चाहिए, पूर्ण काम मन चाहिए, तू निगुरा है, धरती पर जा और किसी गुरु के सानिध्य में महापुरुषों के पास बैठ, एक बढ़िया तो मन बना, ऊंचे से विचार लेकर आ, वो आप्त काम पूर्ण काम निष्काम मन लेकर आ, अभी तो मन में काम घुसा हुआ है, पदार्थों के आकर्षण चिपके हुए हैं। और मैं आपको एक बिंब दे रहा हूं कि नहुष इंद्र बन गए थे और सस्ते से विचार ने सर्प बना दिया उनको, मनुष्य भी नहीं बन सके।
विचार तो बहुत बड़ी शक्ति है, इससे बड़ी तो और क्या सामर्थ्य होगी आपके पास। और हम विचारशील प्राणी हैं, पहली चीज है संकल्प, विचार करो, संकल्प करो, अच्छा अच्छा विचार करो, चिंतन उन्नत होना चाहिए आपका, अभिव्यक्ति आपकी बहुत सुंदर होनी चाहिए। सोचना और करना दो चीजें मिली हैं आपको, कि आप सोच सकते हैं। हो सकता है कि पशु भी सोचते तो हों पर कर नहीं पाते, चार रहे उनके तो पैर, पंखी तो हैं, सीमाएं सीमित हैं उनकी, कर नहीं पाते, बोल नहीं पाते, पर आप तो बोल भी सकते हैं, कर भी सकते हैं, सोच भी सकते हैं। इतनी बड़ी चीज मनसा वाचा कर्मणा, तो महापुरुष कौन बताए गए, महात्मा कौन कहा गया? मनस्येकम् वचस्येकम् कर्मणैकम् महात्मना, जो मन वचन कर्म से एक है और महान है, बस वही महात्मा है। ऐसे संतों की बड़ी वंदनाएं कथा के आरंभ में, मुद मंगल में संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजो, आदि आदि ऐसी। और फिर शिव और उनकी अर्धांगिनी के संवाद हैं जो बड़े अद्भुत हैं। अलग 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 युगों में कथाएं हैं, तो तुलसीदास जी को त्रेता को एकदम पकड़कर कहते हैं कि एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषिपाही। एक बार त्रेता युग माही, एक बड़े त्रेता युग की एक घटना ली तुलसीदास जी ने और कहा कि वो एक बड़े ऋषि के पास पहुंचे जिसके लिए ये बात कही गई, यद भद्रम तन्न आसु, कि हम कुछ अच्छा बटोर सके, कुछ अच्छा कर सके, कुछ अच्छा सोच सके, और जो अच्छा नहीं है वो हमसे अलग हो सके। सब इतर दुरितानि परासु, जो अच्छा नहीं है वो हमें रहना नहीं चाहिए। अगर ठीक मात्रा में वैद्य के परामर्श से शहद लिया जाए तो टॉक्सिन आउट हो जाते हैं, बाहर चले जाते हैं, वैद्य के परामर्श। कुछ औषधियां ऐसी हैं उनकी तो बात छोड़ो, जल भी अगर ठीक मात्रा में पीना आदमी सीख ले कि कब किसको कितना जल लेना है, कब कितना अन्न लेना है, कब कितना आहार लेना है, कब कितनी नींद लेनी है, ये एक जीवन की बड़ी विधि है। तो कुछ लोग कहते हैं चलो महात्माओं के पास, भैया वहां व्यवहार भी सीखा जाएगा, जीवन दर्शन भी। और एक मैं आपको अपने अनुभव की बात बता रहा हूं, वो आज भी होता होगा, पर मेरे समय जब मैं सन्यासी बना और उस समय तो यही था कि पहले आहार विद्या सिखाते, भोजन बनाना सिखाते, कब सो रहा है व्यक्ति उसको ट्रैक कर रखते थे कि सो कब रहा है, जग कब रहा है, इस सोच क्या रहा है, बोल क्या रहा है, ध्यान कहाँ है, इसकी हाव भाव मनोदशा क्या है, इसके शरीर की हलचल कैसी है, पूरी बॉडी लैंग्वेज की ऑब्जर्वेशन, पूरा स्कैनर गुरुओं का कि कर क्या रहे हैं, पूरा उनकी पूरी ऑब्जर्वेशन थी कि कर क्या रहे हैं। तो ये वही कर रहे हैं जो सोच रहे हैं, तो उनको ऐसा हार मिले। सच मानिए जो फकीरी है वो तभी सद सकती है जब मुकम्मल गुरु मिले, मुकम्मल पूरा। तो भगवान ने कहा कि पूरे पुरुष के पास चलते हैं, जीवन का आनंद वहां है, ऊंचाइयां वहां हैं। तो क्या जीवन में कभी हम ये नहीं सीखेंगे कि सोचे कैसे, बोले कैसे, देखें कैसे, व्यवहार नहीं सीखेंगे कभी? और ये दोनों चीजें अलग अलग हैं, एक है व्यवहार, दूसरा है परमार्थ। मैं बहुत ही विश्वास के साथ कह रहा हूं और बहुत विनम्रता के साथ कि हो सकता है कि संसार के प्राणी भी आपको सिखा देंगे चीजें,
पर जिस ढंग से व्यवहार की कुशलता और पवित्रता या परमार्थ की उच्चता संत सिखा सकता है, कदाचित कोई और सिखा पाए आपको। व्यवहार की पवित्रता, व्यवहार में कुशलता, व्यवहार में माधुर्य, व्यवहार में संतुलन, व्यवहार में मितव्ययता, व्यवहार में मितभाषी, व्यवहार में नींद का भी एक संतुलन कि कितनी नींद लेनी है, या निशासर भूतानाम तस्याम जागृत संयमी, कितनी मात्रा में कितना आप डालें गुड़ तेल या कितना नमक और या मसाले, तो कैसी चीज बन जाती है मात्रा के अनुपात के असंतुलन से क्या नहीं हो जाता, पूरा स्वाद बिगड़ जाता है। तो मात्रा के का अनुपात पता हो, उसका संतुलन पता हो, कुछ ऐसा ही गए कि चलो एक आनंद के लिए चले, और यह बड़ी बात है कि बड़ा व्यक्ति कुछ सुनने जाए, और सुनने के लिए तो गाड़ीवान के पास राजा चला गया, पूरी धरती का स्वामी, पूरी धरती का शासक, और अपनी पत्नी से पूछता है कि सब कुछ तो मेरे पास है, क्या नहीं है मेरे पास, पूरे वैभव का मैं भोगता हूं, सारे संसार भर के राजाओं के मुकुट मेरे चरणों को चूमते हैं, लेकिन एक आनंद का अभाव सा है, एक बड़ा आनंद अभी नहीं है। तो रानी ने कहा कि वो आनंद तो गाड़ीवान के पास है जो आप ही के नगर में पीपल के पेड़ के नीचे और वो लकड़ी का काम करता है, गाड़ियां बनाता है, वाहन बनाता है, कृषि के उपकरण बनाता है। निसंकोच गाड़ीवान के पास जाकर ज्ञान लिया राजा ने, और सुखदेव अब देखेंगे, अति देखेंगे कि इस भोग के शीर्ष पर रहने वाला एक राजा और धूल के आंगन में जाकर बैठ गया, और गाड़ीवान से कहता है तुझसे मैंने सीखना है, क्योंकि सच्चा मित्र कोई इस धरती पर है तो पत्नी है, और मेरे हित की और मेरे कल्याण की कामनाओं से अधिक और कोई नहीं कर सकता, और मैं जानता हूं कि मेरी पत्नी की दृष्टि बहुत पैनी है, वो ये जान गई है कि तू मेरे अभाव को पूरा कर सकता है, इसलिए पत्नी के कहने से यहां आया हूं। वो अधिक अनुभवशील है, उसके अनुभव में ऐसा आया है कि तू मुझे कुछ बता सकता है, तो मान भंग करके ऐश्वर्य को बेसार कर राजसी वस्त्र त्याग कर वो सामान्य उत्तरी अधरीय पहनकर राजरथ में से उतार कर धूल भरे आंगन में साष्टांग प्रणाम किया उसने उस कारपेंटर को, और कहा मेरे प्रणाम स्वीकार करो हो गुरुवर, मुझे कुछ ज्ञान दो। और वो कारपेंटर भी कैसा था, उसने कहा बैठ जा यहीं अब भी और शुरू करते अब भी, और वहां से वो सब कुछ पाकर लौटा। सुखदेव मुनि परमहंस पिता ने उनसे कहा कि तू ईश्वर ही है, लेकिन फिर भी व्यवहार सीखने के लिए जनक के पास जा, सन्यास की ऊंची अवस्था में जरूर जीता होगा पर थोड़ा व्यवहार भी सीख करा, और वो जनक से कल्पना कर सकते हो किसकी ड्योढ़ी पर 3 दिन तक खड़े रहे, उत्तर नहीं आया अंदर से, जब पूछते हैं कि भाई हमको जनक से मिलना है तो अंदर के प्रहरी सेवक सचिव दासियां नौकर चाकर एक ही उत्तर देते हैं कि थोड़ा रानियों में व्यस्त हैं। तो सुखदेव ने झल्लाकर पूछा कितनी रानियां हैं, तो उन्होंने कहा वो तो हमें भी गिनती में नहीं आई, बहुत हैं अंदर, काफी हैं, पता नहीं लगता इतनी, लेकिन पिता अगर कह रहा है तो मैं सीखूंगा। मान भंग करके एक ऋषि सुखदेव राजा के यहां, विदेह के यहां, मान नहीं, पांडित्य की पेचीदगियां लेकर कथा में आओगे भैया कुछ नहीं हाथ लगेगा, कि हम तो सब जानते हैं ये राम कथा तो बहुत सुनी है हमने, रामायण तो बहुत बार सुनी है, रामलीला खूब देखी है, ना ना रीता मन लेकर आइए, जरा खाली होकर बैठो, पूरा खाली करके बैठो,
कुछ नई चीजें हाथ लगेंगी आपके। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभ जर सिपाही, कथा सुनने के लिए गए, कथा का मन लेकर गए। हाँ भी बताना भूल गए अपनी पत्नी से कि मैं कथा सुनने जा रहा हूं। बस पत्नी से कहा तैयार हो जाओ। पत्नी ने पूछा कहां के जरा एक ऋषि क्या चल रहे हैं, महात्मा क्या चलना है, एक साधु के दर्शन करेंगे, चलते एक ऋषि के आश्रम में। मुनि ने कथा आरंभ की। भगवान शिव की दो पत्नियों का उल्लेख मिलता है। भगवान शिव की दो अर्धांगिनियों के चरित्र हैं, जिनमें पहली अर्धांगिनी दक्ष कुमारी भवानी शिवानी सती, संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जा। ऋषि को ऐसा लगा कि आंगन में अकेले शिव नहीं, जगत जननी जगन माता शिवानी भवानी जया प्रथमा, ये शिव भारिया शिव जो वांग संभूता हैं, सती हैं। इसलिए चरण पखारने लगे, ऋषि प्रणाम किया, बहुत आदर किया। पहले भवानी का पूजन और फिर महादेव की सेवा चर्या सपरिया। मुनि बार बार एक बात कहने लगे कि आप भले ही कथा सुनने आए हो पर ऊंचे आसन पर ही बैठना होगा, मैं अपने पुण्य क्षीण नहीं कर सकता। उच्च आसन पर पल्लव सुंदर पात पुष्प एक अद्भुत ऊंचा सा आसन बनाकर शिव और सती का पूजन कर मुनि उनके चरणों में बैठ गए, ये कहकर कि भले ही कथा सुननी हो पर आसन पर तो आपको ही बैठना होगा। अब भैया ये कथा की विसंगति है, ये कथा में यही एक असंगति है, ये कथा की मर्यादा नहीं कहती कि वक्ता नीचे बैठे उपदेशक चरणों में बैठे, जिसने ज्ञान लेना है वो ऊंचे सिंहासन पर हो। एक ने उस आसन को मान लिया और एक को कोई अंतर नहीं पड़ता, ऊंचे बैठा हो नीचे बैठा हो। शिव ने कहा तू भाई कहीं बैठा मुझे सुननी है, ये कोई अंतर नहीं पड़ता है कि आपको मुझे कहां बैठाना है, ऊंचा और बहुत ऊंचे बैठा मुझे तो सुनना है। लेकिन सती जब बहुत ऊंचे आसन पर बैठा दी गई, ये जानकर मुनि ने कि भाई पराम्माए जगदम्माए जगन जगन नियंत्र नियंता के साथ हैं ये शिवानी, तो कहीं एक पूज्यता श्रेष्ठता पवित्रता दिव्यता और हम बड़े हैं हम महान हैं हम श्रेष्ठ हैं, और ये मुनि है पता नहीं क्या सुना रहा है राम सीता की कहानी। कई जन्मों में अवतार होते रहे तो तुलसीदास जी लिखते हैं सुनी महेश, सुनी तो केवल शिव ने, वो सुन नहीं पाए। इस पे ग्रंथ भरे हुए हैं इस बात के ऊपर कि महाभाग्यवान ही सुन पाता है, कोई अच्छी बातें तो कोई कोई सुन पाता है, जो महाभाग्यवान हो उसी के कानों में पड़ती है बातें। ऋषि पूछी हरि भगत सुहाए कहे शंभु अधिकारी पाए।
अगर आप में से कुछ लोग ढंग की कहीं उच्च स्तरीय साधना में प्रवेश कर गए हों, तो वहां ये एक हल्की सी बात निकल कर आती है कि जो अधिकारी है उसके पास विद्या अपने आप चली आती है। विद्या, मंत्र, संत, गुरु, परंपरा, संप्रदाय। संप्रदाय का अर्थ इस अर्थों में लोग कि वो विधि और निषेध। संप्रदाय का अर्थ माने विधि। अगर आप अधिकारी हैं तो संप्रदाय, मंत्र, गुरु, इष्ट और विद्या और उसकी विधि अपने आप चली आई। अरे जो धरती में बीज पड़े हैं उनको कब उगल निकलने के लिए आदेश दिया माली ने, पर भी आंगन में पड़े हैं वो, खेत में पड़े हैं, अवसर पाकर ऋतु की अनुकूलता देखकर निकल पड़ते हैं। किसान तो कुछ कुछ बीज डालता है बाकी अपने आप निकल रहे हैं। कुछ वो जो नहीं चाहिए, जो अवांछित है, जो अनपेक्षित है, जो उत्पादन का भी नाश कर देते हैं या जिनकी कोई आवश्यकता तो है नहीं। ऐसे ऋतु में कई बार कितने कितने कीट पतंग, कितने झींगुर, बहुत ही अल्पायु है ऐसे अनेक जीव कि बस अभी पैदा हुए और वो भागे, क्षमा जली है दीपक की लौ को छूने के लिए कि वहीं मिट गए, अभी जन्मे और अभी उड़े के वहां पहुंचे मिट गए। वैसे ही हमारे भीतर भी विद्या के बीज, हमारे भीतर भी संप्रदाय की जो एक बहुत पूर्व काल की जो साधन विधि है वो छुपी हुई है, पूर्व काल की, बहुत पूर्व काल की, जो पूर्व काल की जो साधन विधि, मंत्र, इष्ट, गुरु, परंपरा और संप्रदाय की जो विधि छुपी हुई है वो मौका पाकर जग जाती है। तो कई बार अधिकारी कोई वस्तु मिलती है, जो पात्र है उसी को वस्तु मिलती है, जो पात्र नहीं है। एक और बात, पात्र तो है पर औंधा रखा है, अब क्या करें? पात्र तो है पर धरती की ओर मुंह है, आकाश की ओर पीठ है, वर्षा हो रही है, घड़े में एक बूंद नहीं आएगा पानी। पात्र तो नहीं थी, ऐसा पात्र नहीं थी, ये तो नहीं कह सकते कि सती पात्र नहीं थी, पर ध्यान कहीं और है। इसे विद्या का वही अधिकारी है, कथा का वही अधिकारी है जो अप्रमत्त है, जो सावधान है। अप्रमत्तेन वेदव्यम सर्वतन्मयो भवेत्। जो अप्रमत्त है, जो जागत है सो पावत है। तो गए तो पति पत्नी, सुनी केवल महेश ने, अधिकार विधि से उन्हीं के हाथ लगी कथा, ये सुन नहीं पाई। और वो देह त्याग कर जब ये पार्वती बनी, शिव की दो पत्नियां सती और पार्वती, देह त्याग कर जब वो पार्वती बनी, शैल से घर की शैल और उन चट्टानों को चूर चूर कर पर्वतों की ओट से जब पार्वती निकली, शैल से घर से जब शैलजा निकली, तो एक कामना कि मेरे पति के भीतर यह संकल्प था कि वो मुझे कथा सुनाएं, उस संकल्प की पूर्ति पहले होगी। एक ही तो बस मेरे पति के भीतर कामना पैदा हुई, बहुत संकोच में वो कह नहीं सके, पर वैसा नहीं होगा। हिमवान के यहां से निकलकर जब पार्वती पहुंची थी भगवान के साथ और विवाह में आए सारे देवी देवता जब विदा हो गए, और वो पहले एकांतिक पल कि पार्वती बड़े सुंदर दिख रही हैं, प्रथमम शैलपुत्री चे, प्रथम तो वही है, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति, चतुर्थकम, पहले से पहले सबसे पहले तो पार्वती हैं, उन्हीं को तो गिना जाता है पहले, और उन्हीं की पूजा करने के लिए, गौरी पूजन के लिए वो सती सावित्री गई हो, या वो सीता गई हो, या वो रुक्मणी राधा गई हो। मन चाहे राचो मिले सोवर, सहज सुंदर सावर, या सुनसीय सत्य आशीष हमारी, जो आशीष देना जानती है, अनुग्रह करना जानती है, ऐसी पार्वती को जो सामर्थ्य मिली,
विवाह के एक गम बाद अब विवाह हुआ है शिव और पार्वती का, कि अब वो विवाह के बाद सब देव विदा हुए कि अब श्रृंगी भृंगी भी ऊंघने लगे, कि नंदी भी समाधि में चला गया, वीरभद्र आदि किंचित थोड़ी दूरी पर हैं, कि लो अब शिव और पार्वती बिल्कुल अकेले हैं, अब निपट अकेले हैं, अब कोई है नहीं। अरे बड़े सुखद पल हैं भाई, ये तो पति पत्नी के बिल्कुल प्रारंभिक पल हैं, कि क्या योजना बनती होगी जीवन के लिए, क्या संकल्प लेते होंगे, जीवन किस ढंग से जीना है, अलग 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 भूमिकाएं निभानी है। अब दो भूमिकाएं, कोई पत्नी बन गई, पहले वो पुत्री थी किसी की भगनी थी, अब तो पत्नी बन गई है। पत्नी बनते एक नई भूमिका मिल गई, पहले किसी के आप पुत्र हैं कि किसी के भाई हैं, और अब पति बन गए। सप्तपति के बाद तो वो निपट एकांतिक पल, और भगवान शिव मुस्कुराते हो, कुछ कहना ही चाहते हैं कि अवसर कहां दिया पार्वती ने कुछ बोलने का। बस ये बात मुझे आपसे कहनी है कि जिसे पूछना आता है, परमात्मा का मन कुरेदना आता है, वो पार्वती है। ये विद्या सीता के पास नहीं, सीता ने कभी राम को कुरेदा नहीं है, ब्रह्मणी भी ऐसा नहीं कर पाई, रुक्मणी राधा नहीं कर पाई, जामवंती कालिंदी मित्रविंदा और अन्य पटरानियां भी कहां ऐसा कर पाई। विद्वानों का ऐसा अभिमत है कि पार्वती प्रश्न करना जानती हैं। भैया ये भी एक विद्या तो है कि आपको ठीक प्रश्न करना है, आपको ठीक शंका रखनी आए, आपको ठीक तरह से अपनी पहेली समझ आ जाए, और उसके निदान के लिए, उसके हल के लिए आप ठीक समय पर गुरु के सामने बात सरका दें। अभी शिव ने तो कुछ कहा भी नहीं था विवाह के बाद, अभी वो कुछ कहना ही चाहते थे कि पार्वती ने पहल की। तो एक नई बात बता रहे हैं, जो पहल करना जानती है उसका नाम पार्वती है। अच्छी पहल, अच्छे प्रश्न। तो जितने प्रश्न पार्वती ने पूछे किसी ने नहीं पूछे। एक और चौंकाने वाली बात सुनो, शिव और पार्वती के संवाद ही सारे पुराण हैं, शिव और पार्वती के संवाद ही राम कथा है। उमा और शिव में जो कुछ बोला गया है, जो कुछ पूछा और बताया गया है, वही राम कथा है, वही पुराण है। जन्मांतर की, युगो युगों की, जैव जगत की, और परमात्मा के पूर्व के भी और आरंभ के भी आरंभ के जो भी काल रहे हैं, उन सबको कुरेद कर जीव सत्ता के लिए, सबके लिए जिसने प्रश्न कर लिए, वो पार्वती। क्या सुनाया भगवान ने कि जो आगम निगम वेद पुराण सब वही तो गाते हैं। विपुल विशद निगमा गम गाए, विपुल के बाद भी विशद लगा दिया, जो कुछ कहा गया है आगम निगम वेद पुराण शास्त्रों में जो कुछ कहा गया है, बस वही कहा गया है जो शिव और पार्वती के संवाद है। पर शिव और पार्वती ने क्या, शिव ने क्या बताया है? भगवान का स्वभाव, भगवान का औदार्य, उनकी उनकी करुणा, कि वो कितने करुणा कर हैं। भगवान का स्वभाव, सुन गिरिजा हरि चरित सुहाए, हरि का चरित्र भगवान के बारे में बताया शिव ने कि भगवान क्या है। हरि अवतार हित जई होई, मिथ्यम के जाए। हर पल में जो जीव के लिए उसके आसपास खड़ा है, आग बयाल पानी प्रकाश और आकाश से क्या चाहिए, कब कितनी आभा ऊर्जा प्रभा धरा की गंध क्या चाहिए, विविध रूपों में अनेक रूपों में कोई एक चीज बहुत होकर जीव के लिए बटी हुई है।
कोई एक वस्तु, कोई एक तत्व बहुत रूपों में, अनेक रूपों में जीव के लिए इतना बटा हुआ है, भिन्न भिन्न रूप धारण किए हैं किसी एक ही तत्व ने। तो भगवान शिव कह रहे हैं कि कोई एक भगवान, ये भगवान अलग 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 रूप से दिखाई दे रहे हैं। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। एक भगवान जीव के हित के लिए अनेक रूपों में बटे हुए हैं। अनेक नाम तेरे नाम अनेक, तू एक ही है। ईसा वास इदम सर्वम यत किंचित जगत्याम जगत। इस जगत में यत किंचित जो कुछ भी है वो भगवान ही है। वो इतने रूपों में हर चीज में वही है, कोई एक है अनेक हो गया है। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सब में इदम, सर्वम खलु इदम, सर्वम इदम यहां वहां सब जगह, सर्वम खलु इदम ये ब्रह्म ईश्वर है। तो उनकी उदारता, उनके स्वभाव की चर्चा है। लेकिन उससे पहले शिव ने एक हल्की सी शर्त रख दी। ऐसा वो करना तो नहीं चाह रहे थे पर पता नहीं क्यों कह दिया उन्होंने। उन्होंने कहा सावधान हो के बैठना, फिर सुनाएंगे। सतर्क होके बैठना, चौकन्ने होके बैठना, श्रद्धा से सुनना, विश्वास से सुनना, मति स्थिर रहे, स्थिर रहे। ऐसा कहना तो नहीं चाहते थे भगवान, पर पूर्व काल की स्मृति जैसे आ गई हो कि क्या भरोसा। स्वभाव से व्यक्ति प्रतिबद्ध रहता है, स्वभावो दुरित क्रम। भैया हर चीज बदल जाती है, कई बार स्वभाव नहीं बदलता, आदमी वहीं का वहीं खड़ा रहता है। तो भगवान को लगा कहीं वो सोने की आदत है, फिर न सो जाए कहीं। सावधान, सावधान में स माने साधुता या सरलता, व माने विवेक, धा माने धारणा ध्यान के साथ, और ना माने निषेध, बेकार की चीजों को मत घुसने देना अपने पास। इतना चौकन्ना पर ना में निषेध कि कुछ चीजें हमें नहीं छू सकते। अवतरण जानते हो क्या है? अवतरण का अर्थ है उच्चता का धरा पर आगमन, उत्स का, आनंद का। या जीव के लिए जब ईश्वर में एक करुणा पैदा होती है, जब परमात्मा में बड़ी करुणा पैदा हो, तब वो अपने आनंद के साथ बहुत उत्सुकता के साथ धरती पर उतरता है। इसका नाम है अवतरण। किस बात के लिए? धर्म संस्थापनार्थाय, परित्राणाय साधुनाम, विनाशाय च दुष्कृताम, जो बेकार है उसे विलग करने के लिए, और जो श्रेष्ठ है उसकी सिद्धि के लिए। राम कथा में बिना किसी लंबी भूमिका के मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं सीधे शिव पार्वती के प्रसंगों के साथ चलें भगवान के अवतार की ओर। और कोई भी चीज ऐसे हासिल नहीं होती। राम जन्म के हेतु अनेका, वो अनेक हैं, कोई एक चीज ऐसे ही हाथ नहीं लगते। उत्सुकता में पूछ लिया पार्वती ने, उत्सुकता में पूछ लिया पार्वती ने कि भगवान किस कारण से राम बनकर आए होंगे, किसका वो राम कैसे आया धरती पर। तो भगवान ने कहा बहुत से कारण है राम के लिए। तो पार्वती ने प्रश्न किया कि पहला कोई एक कारण, क्योंकि पार्वती प्रश्न करते हुए राम कथा के लिए उत्सुक हुई। अभी
भगवान शिव ने हल्के से घूंघट हौले से ऊपर सरकाया ही है कि वो किस ढंग से उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, उनके माथे के बिंदिया मांग के सिंदूर उनकी शालीनता के, कि भगवान उनके कर की प्रशंसा कर रहे हैं। अरे सौंदर्य लहरी पढ़कर तो देखो शिव किस ढंग से प्रशंसा करते हैं, न केवल उनकी बल्कि उनके चरणों के धूले कणों के, उनके चरणों में जो धूले कण हैं और वो धूले का एक भी कण कितना ऊर्जावान है उसकी चर्चा महेश करते हैं। और महादेव ने कुछ बात कहना ही चाहा था कि पार्वती ने कहा कि कोई एक पहला कारण, तो उन्होंने कहा नारद के श्राप से, नारद के भारी श्राप से विष्णु का अवतरण राम बनकर हुआ। तो पार्वती ने कहा कि साधु को तो क्रोध आता नहीं, जो अकाम पुरुष हैं, आप्तकाम पुरुष हैं, निष्काम पुरुष हैं, उन्हें तो कभी क्रोध नहीं आता, और जब क्रोध नहीं आएगा तो श्राप भी वो कैसे देंगे, क्योंकि साधु तो उसे कहते हैं और नारद तो अग्रणाम अग्रणी योग भास्कर, नारद तो योग के सूर्य हैं, विरक्त हैं, त्रिकालदर्शी हैं, सपने में भी जगत उन्हें छू नहीं सकता। और क्रोध कब आता है, जब कामना प्रचंड हो, तो काम या काम की विफलता में, काम की असफलता में, जब आप असफल हो गए होते हैं, विफल हो गए होते हैं, तब क्रोध आता है। एक और बात भी है कि हमारा जो सबसे बड़ा शत्रु है वो अहंकार है, जो हमारी सारी आध्यात्मिक आकांक्षाओं को, हमारी बड़ी संभावनाओं को ध्वस्त कर देता है। इस कथा में एक बात याद रखने की है, उसे बहुत गहरे सुनो और बहुत ध्यान से लेकर जाओ अपने साथ। हम जितने प्राणी हैं, विशेषकर हम जो मनुष्य हैं, हम अंतहीन संभावनाओं से भरे हुए प्राणी हैं। जितनी संभावनाएं हमारे पास हैं किसी के पास नहीं है, जितने साधन हमारे पास हैं किसी के पास नहीं, और अंतिम श्वास तक उन सारी संभावनाओं का, उन सारे साधनों का, उस सारी योग्यता प्रतिभा का हम कभी लाभ नहीं ले पाते, हम अपनी ऊर्जा का एक कण नहीं ले पाते। संयोग से आइंस्टीन की जगह मुझे जाने का मौका मिला, संयोग से उसके टेबल पर लिखी हुई चीजें पढ़ने का मुझे अवसर मिल गया, और मुझमें उत्सुकता तो थी कि जिसने ये विद्युत दे दी, ये ध्वनि प्रसार करने वाला यंत्र, कि मेरे होठ यहां हिल रहे हैं और दूर तक, और न केवल यहां बल्कि कई देशों तक ये सारी चीजें प्रसारित हो रही हैं, उसके मूल में विद्युत बिजली जिसने पैदा कर दी आइंस्टीन, उसकी मेज तक मैं पहुंच गया और उसका एक वहां लिखा हुआ वाक्य उसने झकझोर दिया मुझे, वो लिखता है कि कोई मेरी बहुत प्रशंसा करे और या मैं बड़ा महान वैज्ञानिक हूं, तो जो मेरी बहुत प्रशंसा के गीत गाने वाले हैं, मुझे बहुत महान कहने वाले लोग हैं, उनसे मेरी प्रार्थना है कि वो इतना ही समझें कि जैसे मैं समंदर के तट पे खड़ा हूं और एक मुट्ठी भर रेत मेरे हाथ में आया है और उसका एक कण मैं जान सका हूं, अभी रेत की तो बात छोड़ो, मैं समंदर की एक लहर तक नहीं पहुंचा हूं, इतना कुछ और है। वो कहता है कि जो मेरी महानता के गीत गा रहे हैं लोग कि मैंने क्या कर दिया, मेरे श्रम साधना और मेरी ये सारी जो उपलब्धियां हैं, मेरे जो आविष्कार हैं, जो मैंने इतना आविष्कार कर दिया, लोग कहते हैं कि मेरी इस इन्वेंशन, तो जो मैं इतना इनोवेटिव हूं, लोग जो ऐसा कह रहे हैं, उनके लिए बस मेरी प्रार्थना है कि मेरे ज्यादा गीत न गाएं, वो एक कण मेरे हाथ लगाए बस इतना सा,
अभी तो मैं लहर छू नहीं पाया हूं, मैं तो लहरों को छूने गया था, मैं तो उस अपार ऊर्जा के सागर तक पहुंचा था। अभी पहुंचा कहां कि मेरे हाथ में एक मुट्ठी भर रेत आया और एक कण, इतना सही तो मेरे हाथ लगा है, बाकी बहुत कुछ पाना अभी बाकी है और मनुष्य उसे कर सकता है। अंतरिक्ष में जिस ढंग से छलांग लगाई है आदमी ने, आज जिस ढंग से समुद्र के तल को छुआ है आदमी ने आज, या जो संचार के साधनों की जो प्रगति है, या जो उपकरणों की जो उन्नत अवस्था आज है, जो ये सूचना का तंत्र कितना प्रचंड है, इस पर एक बात ने मैं कहना अलग तरह की है कि इतनी संभावनाएं हैं कि मनुष्य चाहे तो केवल इन चीजों को नहीं, उन हाथों तक पहुंच सकता है जिन हाथों ने ये तारे चांद सूरज बनाए हैं। आप चाहें तो वहां तक पहुंच सकते हैं। इन चीजों की तो बात छोड़ो, चांद और सूरज की तो बात छोड़िए, तद्धाम परमम मम, मेरे धाम में व्यक्ति पहुंच सकता है, मुझे उपलब्ध हो सकता है। पर हमारा क्षुद्र अहंकार, हमारी संकीर्णता, हमारी जड़ता, हमें विषय रस और उसको पानी छूने चखने की प्रचंड भोग वृत्ति, जो हमारी विषयाशक्ति है, जो विषयों में हमारी गहना शक्ति है, उसे मुक्त कहां हो पाते हैं। और नारद ने इस तरह से काम जीत तो लिया, काम का अर्थ है कि सारे आकर्षण से मुक्त हो गए। काम और रति गिर पड़े चरणों में कि हमें तो कोई नहीं जीत पाया आज तक, महादेव भी हमें कहां जीत पाए। वही मोहिनी के पीछे दौड़ कर कहते अहो रूप महो धामम अस्या नवव्यम। जब मोहिनी अवतरित होकर देव और दैत्यों के बीच में से अमृत घट छीन लेती हैं और देव हित के लिए वो बांटने लगती हैं, तो तब महादेव भी अपनी अपने बड़प्पन को बेसार कर उनके निकट आते हैं और पूछा सबने, अरे पार्वती देखो तो सही महादेव कहां जा रहे हैं। तो सबने कहा रे पार्वती देखो महादेव का ध्यान मोहिनी की ओर। तो पार्वती प्रसन्न है, आनंदित है, उल्लसित है। देवताओं ने कहा कि आपको ईर्ष्या नहीं होती, असूया नहीं होती, ये मोहिनी इसकी ओर मन गया महादेव का। तो वो कहती है कि नहीं मन नहीं जा सकता। तो फिर क्या है, बोले संसार भर के लोगों महादेव कहते हैं, वे ऐसे किसी बड़प्पन में नहीं रहना चाहते, अपने बड़प्पन को बेसार कर विष्णु को बड़ा बनाने के लिए गए। वो मोहिनी नहीं मोहन है, मोहिनी कहा है वो तो मोहन है। तो महादेव का मन जिस ओर गया है, माधव की ओर गया है, मदन गोपाल की ओर गया है, वो तो मनहर है, मोहन है। इसलिए गए कि लोग उन्हें बड़ा 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 कहते रहते हैं और ये उन्हें अच्छा नहीं लगता। बहुत बड़ा 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 कहने से आदमी में अहंकार आता है और मेरे महादेव को अभिमान किंचित प्रिय नहीं है। हमारा महादेव मेरे परमात्मा ही कभी नहीं चाहते कि अहंकार उनके पास रहने पाए, इसलिए तो वहां गए। प्रसन्न हूं मैं कि मेरा स्वामी सरल रहना चाहता है। मैं भी जानती हूं कि वो मोहिनी मोहन है और मेरा भी महादेव जानता है, लेकिन हाँ काम को ये तो एक मौका मिल गया कहने का कि अरे नारद आपने मुझे जीत लिया, पर महादेव भी कहां जीत पाते हैं मुझे, वो किंचित एक मोहिनी का आकर्षण उनको भी खींच ले जाता है। मैं कितना प्रचंड हूं कि महादेव के मन को छूना मुझे आता है, या कि चतुरानंद के भीतर मैं जब आवेग पैदा करता हूं तो भरी सभा में वो सरस्वती की ओर आकर्षित होने लगते हैं, या कि वो श्रृंगी हो और कितने ऋषि मुनि हो, किसको मैंने परास्त नहीं किया और बनाई मैं इसलिए हूं कि सबको हराकर मैं जीत जाऊं। मैं इसीलिए तो पैदा हुआ हूं कि मैं जीतूंगा, सब हार जाएंगे, पर मेरा अभिमान चूर चूर कर दिया नारद आपने, मैं हार गया, आप जीत गए। क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि काम कभी नहीं हारेगा, मैं तो हार गया।
आप जीत गए। इतना सुनकर नारद को कितना अहंकार हो गया कि काम हार गया, जिसे शिव नहीं हरा सके, ब्रह्मा जिसे पराभूत नहीं कर सके, और मैंने हरा दिया उसे। तो गए वहां अपने पिता के पास, और नारद जी के पिता तो ब्रह्मा हैं, और अपने पिता से कहा, उन्होंने देखो ऐसा कर लिया मैंने। तो पिता ने कहा ये बात अच्छी नहीं, अब ये बताना मत किसी को, और महादेव को तो बहुत बुरा लगेगा। भूल कर भी ये भगवान शिव तक बात न पहुंचे कि तेने काम जीत लिया है। और पिता ने कहा बस मेरा आदेश पालन करना, महादेव को मत बताना। नारद जी से रहा नहीं गया, वो महादेव के पास पहुंच गए अपने पिता की अवज्ञा की। और ये अच्छी बात नहीं है, हमसे कभी कभी बहुत भूलें होती रहती हैं हम सबसे। हमको लगता है हम वेदों की बात मानेंगे, पुराणों की बात मानेंगे, हम देवताओं की बात मानेंगे, और हम तो भैया सबकी बात छोड़ो, हम तो गुरु की मानेंगे। भैया मेरी प्रार्थना है कि जो माता पिता की नहीं मान सकता वो किसी की बात नहीं मानेगा, इतना रिबेल है वो जो माता पिता की नहीं मान रहे हैं। तो पुराणों में बड़ी सुंदर सी बात आई कि सबसे बड़ा साधन क्या है, तो सबसे बड़ा साधन है माता पिता में देव बुद्धि रखना। और जैसे ही माता पिता में आपकी देव बुद्धि बनेगी कि उनकी अवज्ञा नहीं करनी है, स्वर्ग के कपाट खुले हैं, उसी समय वो फाटक हौले हौले खुलने शुरू हो जाएंगे। अरे विठला जिसके द्वार पर कहता रहा कि मैं आ गया हूं, पुंडरीक द्वार खोल, और वो कहता है थोड़ी प्रतीक्षा कर, और वीट और ईंट उछाल कर फेंक दे नारायण की ओर कि विठोबा यहां खड़ा हो जा, अभी मुझे माता पिता की सेवा करनी है। वो कहता है मैं जानता हूं तू विठल है, ईश्वर है, जिसको जिस नारायण को वहां द्वार पर प्रतीक्षा करनी पड़ गई, वो माता पिता की सेवा में। तो पिता की अवज्ञा करके महादेव के पास पहुंचे, और महादेव बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा भाई हद है, तू काम को जीत कर आ रहा है, मेरे प्रणाम है, पर एक सीख भी है, बड़ी भारी सीख है, तू मेरा शिष्य है, अपने पिता की तेने बात मानी नहीं पर गुरु की तो मान। सीख है, बोले मेरी एक ही सीख है कि देख जो बात तेने मुझे बताई है कि मैंने काम जीत लिया है, विठल को मत बता देना, माधव के कान में ये बात न जाए, भगवान नारायण तक ये बात न पहुंचे, इसको ही निपटाओ बात को। और भगवान शिव ने एक बात कही कि देख मैं ऐसा देख रहा हूं तेरे मन में कि तू मेरे आदेश का पालन नहीं करेगा, अब तू बहुत उन्मत्त हो गया है, तू मेरे आदेश का पालन नहीं करेगा तो एक काम कर, मेरी विनय तो मान ले, मेरी प्रार्थना तो मान सकता है, क्योंकि जब गुरु लोग बार बार कहें और उनके आदेशों की कोई अवहेलना करे तो गुरु फिर आदेश से हटकर प्रार्थना पे उतर आते हैं कि वे एक रिक्वेस्ट करते हैं हमारी बात मान लो, हमारा ऑर्डर तो अब चलेगा नहीं, अब आदेश तो क्या चलेगा, प्रार्थना तो चल सकती है, बार बार विनय करता हूं मैं, प्रार्थना करता हूं कि भगवान को मत बता देना। तो देखो पिता की आज्ञा का पालन नहीं किया नारद ने, और अपने गुरु की आदेश और प्रार्थना की भी अवहेलना करके, और वो चुपके से भगवान के यहां चले गए विष्णु के यहां, कि कोई देख तो नहीं रहा, पतली सी गली में से निकल गए वो तो। अव्याहत गति नारद को प्राप्त है, कभी भी पहुंच सकते हैं वो तो। और उनकी वहां बड़ी दुर्गति हो गई, जब भगवान फूल लेकर खड़े हैं, प्रणाम कर रहे हैं, उनका अभिनंदन कर रहे हैं, अरे इससे बड़ी दुर्गति क्या होगी कि जब ज्येष्ठ जन हमें प्रणाम करें, हमारा आदर करें, हमारे माता पिता हमें आदर दें, बड़े ज्येष्ठ जन, ये तो दुर्गति है, अवनति। और भगवान ने तो अपने आसन पर ही बिठाया, बड़ा प्रणाम पूजन, भाई नारद आप बहुत महान है, आपको देखकर ऐसा क्यों मन करता है कि प्रणाम प्रदक्षिणा करें, पूजन कर लें, माथे पर तिलक रखकर आपके गीत गाएं, कुछ नया कर लिया है क्या, आप कितने महान हो गए। उन्होंने कहा महाराज मैं
वैसे तो पिता ने मना किया था, भगवान महादेव ने भी, लेकिन रहा नहीं गया, मैं काम को जीत के आया हूं। और कुछ पल के बाद तो नारद ने एक नगर देखा, वहां विश्व मोहिनी पर वो आकर्षित हो गए। वो कितनी बार आपने कथाएं सुनी है, मुझे इसमें एक बात कहनी है कि भगवान का सर्वोत्तम आहार कोई है, प्रिय आहार है कोई, तो भक्त का अहंकार। कई बार तो मुझे लगता है कि वो लड़ुआ, पूड़ी पकवान, व्यंजन मिष्ठान, खीर और न जाने कितने कितने और भी व्यंजन पकवान मिष्ठान हो सकते हैं, वे अच्छी चीजें, भगवान को भोग लगाएं हम, पर कोई भगवान से तो पूछे कि आपको अच्छा क्या लगता है। तो भगवान ने कहा मुझे सर्वोत्तम आहार कोई मेरा है, तो भक्त का अहंकार है। कोई मुझे अपना अहंकार सौंप दे, अभिमान दे दे, उससे बड़ा कोई आहार नहीं है। और उसके वशीभूत उस कन्या पर मोहित होकर भगवान से रूप मांगने चले गए। जे विद होए नाथ हित मोरा, जिसमें मेरा कल्याण हो ऐसा रूप दे दीजिए, क्योंकि वो सुंदरी कोई रूपवान देखेगी। और आपने कथा में देखा ही है कि काम से कैसे दुर्गति हुई नारद की, कि उस कन्या ने विष्णु का ही वर्णन कर लिया, और जब काम की पूर्ति नहीं हुई, वासना पूर्ति नहीं हुई नारद की, तो श्राप दिया उन्होंने विष्णु को कि जो विश्व मोहिनी को मैं चाहता था वो आप लेकर चले गए। जाओ जपो शंकर सतनामा, जाओ शिव का ध्यान करो। जब उन्होंने ध्यान किया भगवान का, तो देखा विश्व मोहिनी कहीं कुछ नहीं थी, लक्ष्मी नहीं, अनेक रूप धारण कर लिए थे, वही सुंदर नगर बन गई, वही राजा बन गई, वही एक सुंदर सी कन्या बन गई, उसी को पाने के लिए उनके मन में। और जब उसे वर्ण करूंगा तो मैं अजेय पुरुष बनूंगा, अपराजित हो जाऊंगा, मैं स्वामी बन जाऊंगा, सब देवगण मेरे अधीन होंगे। उस कन्या को देखकर ऐसा मन बन गया था नारद का कि मैं स्वामी बन जाऊंगा, मैं अजेय बन जाऊंगा, मेरा वर्चस्व होगा, स्वामित्व तो मेरा होगा, सब मेरे अधीन होंगे। इस सुख की कामना में वो रूप मांगने चले गए। जब प्राप्ति नहीं हुई तो क्रोध आया, भगवान को श्राप दे दिया कि जिस बंदर जैसे रूप से आपने मेरा अपमान किया, ये बंदर ही आपके काम में आएंगे त्रेता में। इन बंदर भालुओं के बिना आपको सहायता नहीं मिलेगी। आज पहला दिन है कथा का, मुझे नारद जी को भी लाना था, संतों की चर्चा करनी थी, महादेव और पार्वती के प्रसंगों को स्पर्श करना था। ये पहला दिन कथा का भूमिका तैयार करने का होता है, यद्यपि यहां ऐसी कोई आवश्यकता नहीं, आप साधक हैं, विचारक हैं, उपासक हैं, बड़े संस्कृत हैं, स्वाध्यायी हैं, आप तो नित्य संतों की सेवा में, गुरुजनों के आदेश उपदेश के अधीन उपासना करने वाले आप प्राणी हैं, फिर भी एक भारी मात्रा में आप, एक अच्छी संख्या में आप कथा सुनने के लिए आए हैं, ये आपकी इस बात का परिचय है कि आप अच्छे साधक हैं। कल्याणी धर्मधरा शश श्यामला, महाराष्ट्र की मंगला भूमि विदर्भ के पुण्यवान नगर के